दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस फैसिलिटियस अचीवर महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज इस महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। आप सारे लोग वेट कर रहे थे और आपके सामने सारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे अचीवर्स हैं, वो आपके सामने हैं। आपको बहुत कुछ उनसे जानने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी आवाज क्लियर आ रही है तो बिल्कुल एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आवाज क्या क्लियर आ रही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू शुरुआत करते हैं। हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, रॉयल डायमंड्स, क्राउन डायमंड्स, ब्लैक डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, न्यू लग्जरी कार अचीवर और न्यू डायमंड जो पिछले एक महीने के अंदर बने हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर सामने दिखाई दे रहे हैं और अभी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में आपको उनको सुनने का भी मौका मिलेगा और मैं चाहता हूं आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए हमारे बीच में हमारी कंपनी के क्राउन डायमंड मौजूद हैं, उनको एक बार फिर मैं आपके सामने आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। तो प्लीज वेलकम अवर क्राउन डायमंड मिस्टर शिव कुमार सर, आप आए और प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच गुरुदेव। सबसे पहले मैं शिव कुमार, हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हैं, हमारे महागुरु जी मिस्टर महिपाल सिंह जी, अनिल कुरी जी और कंपनी एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी, मैं इन सभी सीनियर मोस्ट लीडर को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जिनकी वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। उसके बाद हमारे रॉयल डायमंड लीडर मिस्टर अमित दुबे जी, ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर अनु शर्मा जी, ब्लैक डायमंड मिस्टर नसीब खान जी, ब्लैक डायमंड मिस्टर मदन लाल जी, ब्लैक डायमंड मिस्टर अवधेश नारायण जी, हमारे सभी ब्लू डायमंड लीडर और सभी एसलीपीएस फाइटर को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा एसलीपीएस अचीवर महोत्सव है और ये महोत्सव हम लोग लॉकडाउन के अंदर कर रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है कि अगर हम लोग पहले काम करते थे और लीडर एक रैंक को अचीव करता था तो हम लोग उनको सम्मानित करते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण हम किसी गैदरिंग को करके, फंक्शन को करके हम सम्मानित नहीं कर सकते और उनको अभी हम लोग ऑनलाइन सम्मानित करने जा रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अगर एसलीपीएस की अगर बात किया जाए तो एसलीपीएस इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि लॉकडाउन के बाद भी लगातार ग्रो करते जा रही है। अगर हमारे लीडरों की बात किया जाए तो लॉकडाउन के अंदर यहाँ पर लग्जरी कार अचीवरों की लाइन लगी पड़ी है, लॉकडाउन के अंदर करोड़पति क्लब लीडर हमारे लगातार बनते जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमें अपने लीडरों को सम्मानित करने का वक्त है और आज हम हमारे बीच जितने भी सफायर हैं, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड लीडर और लग्जरी कार अचीवर को हम आज एसलीपीएस अचीवर महोत्सव में सम्मानित करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये महोत्सव अगले 1.5 घंटे तक चलेगा और आपको महोत्सव को देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि एसलीपीएस में इतने कार अचीवर कैसे हो रहे हैं, एसलीपीएस में इतने लीडर करोड़पति क्लब में कैसे शामिल होते जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का महोत्सव बहुत खास है और मैं अभी महोत्सव का शुरुआत करने जा रहा हूं और आज हम सबसे पहले एक ऐसे लीडर को कॉल करने जा रहे हैं
जिनकी बात किया जाए तो वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से उन्होंने अपने सफर का शुरुआत किया और आज उन्होंने एसली पीएस के अंदर ब्लैक डायमंड रैंक को अचीव किया है। आज वो खुद ऑडी Q3 अचीवर है और डियर फ्रेंड्स वो बहुत मेहनती, कर्मठ और डेडिकेटेड इंसान है। आज उनकी बदौलत लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आवर कंपनी ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर नसीब खान जी के बारे में, जो जिनकी बदौलत आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा मिस्टर नसीब खान जी से कि वो आए और दो शब्द बताएं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और अपने जितने भी एसोसिएट है वो उनको एक शानदार मैसेज दें। प्लीज वेलकम मिस्टर नसीब खान जी। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले आप जितने भी यहाँ पे एसलीपीएस अचीवर महोत्सव के अंदर लाइव वेबिनार के अंदर जितने भी लोग हमारे जितने भी न्यू गेस्ट हैं और हमारे एसोसिएट हैं और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मैं सबका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। दोस्तों, माई सेल्फ नसीब खान और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, अभी राजस्थान में रहता हूँ झुंझुनू। और मैं कुछ अपने बारे में दो मिनट आप लोगों के बाद शेयर करूंगा। और दोस्तों, वैसा कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है और अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कुछ बोलने से पहले आज इस मंच पे अगर मुझे इतने बड़े मंच पे अगर मौका मिला है तो उस मंच के लिए मैं सबसे पहले इस मंच को बनाने वाले, इस एसलीपीएस को बनाने वाले हमारे COMD मिस्टर संजीव कुमार जी को मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए एक ऐसा मंच बनाया, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और कंपनी के टॉप अचीवर, कंपनी के ट्रेनर मिस्टर अनिल पुरी सर, जिन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, उनकी गाइडलाइन में चल करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और इस मंच की बात करूँ, खाने वाले इंसान की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं बताऊंगा मेरी शुरुआत, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं आपसे जरूर बातें करूंगा। और जिन्होंने मुझे इस मंच पे लेके आए, यहाँ तक मुझे पहुंचाया आज, वो कोई दूसरे शख्स नहीं है, मिस्टर भाईपाल का नाम लेना चाहूंगा। उनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ, शायद मेरी जिंदगी में नहीं आते तो नसीब खान क्या था वो भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों दूसरा, मैं अपने गुरु जी शिव कुमार सर और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मिस्टर अनु शर्मा जी, अमित दुबे जी, मदन लाल साहब, जितने भी हमारे रॉयल ब्लू डायमंड्स हैं और डायमंड्स हैं, मैं सबका तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर मैं मेरी बात करता हूँ तो बहुत ही एक नॉर्मल सी स्टोरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा आर्मी से बैकग्राउंड रहा है। और आर्मी में जाने से पहले दोस्तों, आप बिलीव करना, जितने भी लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, कि यकीन मानना, मैं आप लोगों को क्या बता सकता हूं कि हकीकत बिलीव करना कि आर्मी से जाने से पहले दोस्तों, यानी मेरी जिंदगी किस तरीके से थी, यानी कच्ची झोपड़ी में मेरी एक लाइफ थी दोस्तों। मजदूरी करते करते दोस्तों, मैंने पढ़ाई किया है, मैं मेरे घर का बड़ा था और मेरे पिताजी मजदूर थे, वो भी एक्सपायर हो गए, बहुत सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई। यानी मैं आपको बताया कि मजदूरी करते करते मैंने पढ़ाई किया और बाई लक दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, स्कूल भी नहीं जा पाते थे, मजदूरी ही करनी पड़ती थी, लेकिन बाई लक मैं फौज में चला गया। और फौज में जाने के बाद 22.5 साल मैंने आर्मी में दिया है। मैं सैल्यूट करता हूँ कि मैं आर्मी में गया और मुझे देश सेवा करने का मौका मिला। लेकिन दोस्त, 22.5 साल रिटायरमेंट लेने के बाद भी मेरी लाइफ वही थी जो पहले थी, क्योंकि घर में बड़ा था, बड़ी कर्जे की लाइफ थी। मैं जब आर्मी से आया 16.5 लाख रुपए में लेकर के आया था। एजुकेशन की बात करता हूँ तो दोस्तों, मैंने बताया मजदूरी करते करते अगर मैं पढ़ा हूँ और मेरे घर की जिम्मेवारी मेरे पे थी तो मैं बड़ा था, तो यूँ मान लीजिए कि मैं ग्रामीण स्कूल में 10th पास हूँ और फौज में चला गया। आने के बाद मैं 16.5 लाख रुपए लेके आया दोस्त, मेरे बच्चों की पढ़ाई में गुजर गया कुछ पैसा, कुछ मेरे कर्जे में चला गया। और आने के बाद मैंने दूसरे काम की शुरुआत की, बस मैं जिंदगी से परेशान था और ऐसी ऐसी
रिटायरमेंट आने के बाद भी मेरे साथ में ऐसी मुसीबत आई थी कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने छोटा सा एक प्लॉट खरीद लिया था 8 लाख रुपए का, लेकिन उसके बाद बिल्कुल जीरो हो गया था दोस्त मेरे सामने, ना एजुकेशन ना मेरा कोई एक्सपीरियंस, बस यूं मान लो कि मेरी वही से फिर एक मजदूरी कर रहा था मैं। और गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई आज से 4.5 साल पहले, महिपाल गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई और ये शख्स मेरी जिंदगी में आए दोस्त, आप बिलीव करना। यानी जिस दिन मैंने इस असली प्रेस के अंदर डिसीजन लिया था, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, गुरु जी का हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, मैं चरण स्पर्श करता हूँ। शायद अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो आज नसीब खान की जिंदगी नहीं बदलती। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो मेरे जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है तो हर इंसान की बदल सकती है दोस्त। मजदूर आदमी फौज में नौकरी करने के बाद और आज एसएलपीएस में, मैंने 4.5 साल पहले गुरु जी के माध्यम से मैंने विश्वास किया और मैंने डिसीजन लिया और काम करते करते दोस्तों, जहां लोग बोलते हैं जिंदगी नहीं बदलती, अरे हम जैसे मिडिल, नहीं मैं बोलता हूँ लोअर मिडिल क्लास इंसान हूं मैं, बिल्कुल कोई ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था कि हमारी जिंदगी में भी कभी लग्जरी लाइफ होगी और हमारे बच्चे भी सुकून से ये परेशानियां दूर होंगी। लेकिन दोस्त बहुत ही कम टाइम, 4.5 साल, जहां मैंने 22.5 साल लगाए जिंदगी में, खाली 16.5 लाख रुपए लेके आया और आज 4.5 साल में आज मैं 4.25 करोड़ का कैसे मालिक बना दोस्त। लोग बोलते हैं जिंदगी नहीं बदलती दोस्त, आज मेरे पास सब कुछ है एसएलपीएस के माध्यम से दोस्त। हकीकत में मेरे पास मकान नहीं था, 22.5 साल नौकरी करने के बाद एक छोटे से किराए के मकान में रहता था मैं, और लोग मुझे बोलते थे कि यार तुम मकान बना लो, तुम लोन ले लो, जो भी कुछ है दोस्त। एसएलपीएस शुरुआत की एक छोटी सी मेरे पास बाइक होती थी जो भी मैंने फौज से खरीदी, जैसे ही मेरे काम की शुरुआत की, मेहनत की, गुरु लोगों का आशीर्वाद मिला, इन लोगों की गुरु लोगों की मुझे गाइडलाइन मिली टाइम टू टाइम, और दोस्त मेरी टीम का भी मुझे बहुत साथ मिला। मैं जैसे जैसे लेवल बनते गए दोस्त, मैंने एक बाइक अचीव किया, जैसे बाइक अचीव किया तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे हमारी टीम बनती गई, काम करते गए, मेहनत के साथ में सब लगे रहे दोस्त, मैंने एक डिजायर टॉप मॉडल खरीदी, और जैसे डिजायर खरीदी तो मेरे मिसेस बोली कि गाड़ी तो ले ली, कम से कम अभी मकान का प्रोग्राम बनाओ। और दोस्त मेरे पास मकान नहीं था, मैं किराए के मकान में रहता था, विश्वास करना। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कौन से शब्दों बताऊं। फिर मैंने एक मकान की प्लानिंग की तो दोस्त आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग हंसोगे, ये मैं बता देता हूं। तो मैंने मकान जब बनाया तो मेरी मिसेस को मैंने बोला, मैंने एक नक्शा बनवाया, वैसे बहुत गरीब आदमी, लेकिन एसएलपीएस से जब पैसा आने लगा तो मैंने भी नक्शा तैयार करवाया। जब नक्शा तैयार किया तो आप लोग सारे लाइव सुन रहे होंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे मकान तो उसके अंदर छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो वो मकान, डाइनिंग हॉल, ये सब तो नजर आया, लेकिन मकान के अंदर एक छोटा सा मकान और नजर आया। तो मेरी मिसेस ने बोला कि ये क्या है, मैं बोला ये टॉयलेट बाथरूम, अटैच टॉयलेट बाथरूम बोलते, बोले क्या अंदर रहोगे, अंदर टॉयलेट करोगे, बोला नहीं अंदर नहीं बनाना, दूर बनाना, बाहर बनाना। मैं बोला मोहतरमा अंदर भी होते आजकल आपने जिंदगी, नहीं 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 बोला ऐसा नहीं, अपने तो ऐसा नहीं करना, बाहर बनाना। दोस्तों इत्तेफाक से मिसेस की बात माननी थी, मैं को चलो ठीक है हम बाहर ही बनाएंगे, किसी कोने में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे एसएलपीएस का थैंक्स मेरे गुरु लोगों का, मुझे दुबई जाने का मौका मिला और साथ में मेरे बच्चों को लेके गया। दोस्तों जब वहां पे 5-स्टार होटल में रुके तो मिसेस वहां पाई, भाई होटल और लोटे लेके थोड़ी जाएंगी, वहां कैसे जाएंगे, तो वहां तो अंदर ही था टॉयलेट। तो बोले ये क्या, मुझे ये जो मैं बता रहा था वही टॉयलेट है, बोले ये तो अपने घर से भी अच्छा है, मुझे यही है, ऐसा ही बनाना चाहता हूँ, बोला ठीक है। तो दोस्तों वहां जब सारी चीज देखी और वहां से घूम करके आए तो 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आए, तो मेरे मिसेस को बोला दुबई कैसी लगी, बोला दुबई तो मुझे नहीं पता, वहां पे वही रेतीला इलाका था, सब कुछ था, लेकिन अटैच टॉयलेट बाथरूम पक्का बनाना ये मैं जरूर बोल रही हूँ। दोस्त रियली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं एसएलपीएस को, मेरे गुरु लोगों को, जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। एक किराए की झोपड़ी में रहने वाला इंसान आज 1.5 करोड़ के मकान में रहता है डुप्लेक्स में, जहां एक बाइक होती थी आज ओडी Q3, आज 50-60 लाख रुपए की कार को मेंटेन करता हूं दोस्तों। और आज यहां पे ड्रीम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, आज कंपनी का मैं ब्लैक डायमंड हूं और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने और गुरु लोगों के आशीर्वाद से और मेरी टीम की पूरी ताकत के साथ, उनकी बिल्कुल सभी लोगों के आशीर्वाद से दोस्तों बहुत ही कम दिनों में मैं रॉयल डायमंड बन के आने वाला हूं। और दोस्तों एक सिंगल वीक का 60 लाख रुपए का चेक और मेरी 22.5 साल में मैंने 75 लाख रुपए कमाए दोस्तों। यहां पे सिंगल एक वीक का भी 60 लाख रुपए कमाए जा सकता है दोस्तों। मैं सिर्फ ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, आज बिल्कुल ट्रेनों में सफर करते थे, बिल्कुल ऐसी लाइफ होती थी, जर्नल बोगी में जाते थे, रिजर्वेशन नहीं, लेकिन आज एसपीपीएस में आने के बाद ये अनपढ़ इंसान, 10 पढ़ा लिखा फौजी आज कितनी बार प्लेनों से घुमाए, देश विदेश की यात्राएं, आज सब
कुछ मतलब बदल चुका है। आज हमारे बच्चे भी सुखी हैं, आज मिसेज भी सुखी है। पहले घर पे झगड़े बहुत होते थे मिसेज के, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों। जब से स्लीपेस आया हूँ मैं सब ऊपर वाले के खाके बोलता हूँ, आज हमारे घर में कोई भी झगड़े, क्योंकि बोला जाता है दोस्त जब भी लड़ाई होती है ना तो गरीबी की लड़ाई होती है। आज कोई चीज की कमी नहीं दोस्तों, पूरा परिवार सुकून के साथ है, बहुत मस्ती के साथ जिंदगी जीते हैं। और दोस्तों मैं बोलता हूँ अगर ऐसी लाइफ जीनी है ना वो सिर्फ स्लीपेस में मिल सकती है, और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं। मेरा जैसा इंसान अगर यहाँ पहुंच सकता है, और आज टोटली अगर मैं बात करता हूँ 2.5 लाख ज्यादा से लोगों का नेटवर्क है, और आज 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। और दोस्तों अगर ये जिंदगी अगर आपको चाहिए, विश्वास करना मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं सीना चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन एक नॉर्मल आदमी का लाइफ यहां से बदल सकती है। जब मेरे जैसे की बदल सकती है तो हर इंसान की बदल सकती है। बस दोस्तों विश्वास करना, यहां से 3 से 4 साल भरोसा करके रुकना है, और जो भी बताया जाता है उसको विश्वास के साथ में काम करना है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बहुत कम टाइम है। आज हमारे ऐसे ऐसे डिग्नेटरी हैं जिनको सुनने का मौका है। थैंक यू गुरु जी, ये जो मुझे वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी फाइटर्स का और मेरे सभी लीडर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू सो मच नसीब खान जी, आपको सुनने के बाद रियली मजा आ गया, आपके लाइफ स्टोरी को सुनने के बाद। और डियर फ्रेंड्स, अभी वक्त है हमें उन अचीवर को सम्मानित करने का जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर अपने ड्रीम कार को लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, ये वो अचीवर हैं जो कि लॉकडाउन के अंदर अपने लग्जरी कार को अचीव किया। तो दोस्तों आज के हमारे पहले लग्जरी कार अचीवर हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैं पर्सनली आज से 12 साल पहले से मैं उनको जानता हूं, और कभी उन्होंने मुझे प्लान बताया था और मैं डायरेक्ट सेलिंग में उनके प्लान को देखने के बाद आया था। वो काफी पुराने लीडर हैं, मेरठ से बिलोंग करते हैं, बहुत डेडिकेटेड और बहुत ऑनेस्ट लीडर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे आज के पहले कार अचीवर मिस्टर संजीव कुमार जी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लॉकडाउन के अंदर BMW X1 अचीव किया है। तो मैं चाहूंगा कि संजीव कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और वो दो शब्द बताएं कि वो कैसा फील कर रहे हैं कार अचीव करने के बाद, और उनका अगला कमिटमेंट क्या है। प्लीज वेलकम आवर डायमंड लीडर मिस्टर संजीव कुमार जी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इस स्लीपियस महोत्सव में मुझे मौका मिला आप सब लोगों के सामने कुछ बात करने का, अपने बारे में बताने का। और सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे इस वेबिनार के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि शिव कुमार गुरु जी बता चुके हैं कि हमारे और गुरु जी के रिलेशंस बहुत पुराने हैं दोस्तों, और मेरठ से हूँ। वैसे प्रॉपरली मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन आर्मी में फादर जॉब करते थे इसलिए मेरठ में रहना हुआ। पिछले 25-30 साल से मैं मेरठ में ही रह रहा हूँ, और एजुकेशन सेक्टर से था, जॉब कर रहा था, लेकिन अचानक 2005 में एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, और पता चला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और क्योंकि एक आम लाइफ थी और एक नॉर्मल जीवन जी रहा था, और जब अचानक एक नॉर्मल इंसान को जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सपने पूरे कर सकते हो, अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो लाइफ में, अपने बच्चों की खुशियां पूरी कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस प्लेटफॉर्म में हमारी जिंदगी बदल सकती है। और उस सोच को लेकर के मैं 2005 से लेकर के और 2015 तक मैंने पूरी ताकत के साथ उस प्लेटफॉर्म पे काम किया, और बहुत मेहनत करने के बाद, मतलब जीवन में बहुत कठिनाई आई, बहुत दिक्कत आई, और बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सपने, वो उम्मीदें जो थी उस प्लेटफॉर्म से जब पूरी नहीं हुई, तो अब रियल बताता हूँ दोस्तों, बहुत निराशा हुई, बहुत हताशा हुई। और मैं शिव कुमार गुरु जी और अपने महिपाल गुरु जी जो हमारे मेंटर हैं, मैं बहुत पहले से गुरु जी के संपर्क में हूँ, और बहुत पहले से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। तो लेकिन 2005-2015 में आते आते मैं बिल्कुल फेडअप हो गया, बहुत निराश हो गया, बहुत हताश हो गया, और मैं इस कंसेप्ट को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मन में आ गई, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है, और इनमें कभी सपने पूरे नहीं किया जा सकते हैं, और मैं बहुत निराश हुआ दोस्तों। इसके बाद मैं बिल्कुल अपने पुराने बैकग्राउंड में चला गया, जहां पर मैं पहले जो चीज करता था वहां पर चला गया। उसके बाद महिपाल जी गुरु जी का 2016 में मेरे से मुलाकात होती है, और गुरु जी ने मुझे
शायद गुरुजी को मैं वो पहला व्यक्ति था जो गुरुजी ने इस कंसेप्ट के बारे में मुझे बताया था, और मैं गुरुजी की बातों को आज मैं बहुत उस चीज को एनालाइज करता हूँ, लेकिन उस वक्त शायद मैं गुरुजी की बातों को नहीं समझ पाया, और वो जो समय मेरे जीवन में निकला वो कभी मैं वापिस नहीं ला सकता जो गुरुजी ने मुझे बताया था। और एक बात जरूर बोली थी गुरुजी ने कि संजीव जी पछताओगे बहुत, लेकिन वो उस वक्त तो पता नहीं चला, मगर आज बहुत एहसास होता है उस बात का। और मन में टेंशन इतनी ज्यादा थी, इतना नेगेटिव था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब कहने की बातें बकवास है, कुछ होता नहीं है। लेकिन जब गुरुजी ने फैसला लिया था, महिपाल गुरुजी ने, और जब मुझे बताया तो मैं विश्वास नहीं किया मैंने। लेकिन मैं रियल बताता हूं दोस्तों, मेरे जीवन में परिवर्तन आया सन 2018 जून में, जब मैं अचानक अपनी शॉप पर बैठा हुआ था और मैं फेसबुक देख रहा था, और मैं रियल कहानी बता रहा हूं आपको, और शिव कुमार गुरु जी की तस्वीर फेसबुक पे ऑडी कार के साथ मेरे फेसबुक पे जैसी आई, आप बिलीव कीजिएगा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मतलब बहुत पीछे हो गया। ये साथी मेरे मित्र जो कि शायद हमने साथ में इस प्लेटफॉर्म की आज से कुछ समय पहले शुरुआत की थी, लेकिन ये कहां पहुंच गया और मैं कहां रह गया। और इसके बाद मैं बेचैन हुआ, और इसके बाद मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो दो चीजों का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है दोस्तों। पहला वो मेंटर, वो इंसान जो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है, रास्ता दिखाता है, और दूसरा वो प्लेटफॉर्म जिसपे चल के आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये दो चीजों का लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और मेरे जीवन में भी इन दो चीजों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। पहले वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, मिस्टर विकास कुमार गुरुजी, और कदम कदम पर मेरा साथ दिया और इतना ज्यादा सहयोग किया कि उन्होंने भरोसा दिलाया और साथ में दिए, तो मैं गुरुजी का एहसान कभी भूल नहीं सकता। और दूसरा प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, मेहनत तो मैंने पहले भी बहुत की थी, मैंने 12 साल मेहनत की इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी, मेरी ताकत लगने के बाद भी, मैं वो जीवन में नहीं कर पाया जो इस 2 साल की पीरियड में, 1 जून 2018 को मैंने इस कंसेप्ट की शुरुआत की थी। और आप बिलीव करें, मन में बहुत सारे निराशाएं थी, लेकिन अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं इस कंसेप्ट में आने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले से ही कामयाब हो गया होता। और इस कंसेप्ट में आने के बाद जो आज मेरे जीवन में घटनाएं घटी हैं, अब मैं रियली आपको बता नहीं सकता। आज इस 2 साल की पीरियड में इस प्लेटफॉर्म की ताकत और उस मेंटर की वजह से, मेरे महागुरु मिस्टर विकास गुरु जी की वजह से, और जितने भी मेरे अप्लायंस है, मिस्टर शिव कुमार जी, मिस्टर दुबे जी, मिस्टर महिपाल जी, और कंपनी एमडी सीईओ मिस्टर संजीव गुरु जी और अनिल गुरु जी के माध्यम से जो ज्ञान मिला, जो रास्ते हमें मिले हैं, उस रास्ते पे चलते हुए बिलीव करें, आज लगभग 50 लाख से ज्यादा की मैंने इनकम कर ली है इस 2 साल की पीरियड में। और जो सपना हुआ करता था, जो मैंने 12 साल तक सपना देखा था, जो बताया गया था कि आप लग्जरी कार ले सकते हो, बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हो, जो कि मेरा दिल से सपना था कि उस लग्जरी कार में आऊं, लेकिन वो सपना वहां पूरा नहीं हो पाया। लेकिन थैंक गॉड उस गुरु जी को और इस सिस्टम को, जिसकी बदौलत आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 13 तारीख को इसी महीने, मतलब लास्ट पिछले महीने 13 जुलाई को, मैंने अपने सपनों की कार BMW X1 इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों खरीदने का मौका मिला। और आज भगवान का और अपने अपलाइन का और अपने पूरे सिस्टम का दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का इतना प्यार मिलता है, इतना दुलार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। और बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दोस्तों। इतना जरूर कहूंगा, दुनिया में प्लेटफॉर्म की ताकत होती है, और एक मेंटर चुन लेना, मेरा मेंटर, अगर आपका मेंटर आपके साथ है तो जीवन में आपको कोई आगे नहीं रोक सकता बढ़ने से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई मिस्टर संजीव कुमार जी, आपको लग्जरी कार अचीव करने के लिए हमारे तरफ से, पूरे SLPS फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां। डियर फ्रेंड्स, अभी हमें नेक्स्ट लग्जरी कार अचीवर को सम्मानित करने का वक्त है, और हमारे आज के दूसरे लग्जरी कार अचीवर हैं जो कि प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं। और जी हाँ दोस्तों, वो काफी हैंडसम पर्सनालिटी, बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी और ऑनेस्ट पर्सनालिटी है, बिजनेस को बिल्कुल सीरियस लेते हैं। और मैं बात कर रहा हूं हमारे अगले लग्जरी कार अचीवर मिस्टर विजेंद्र कुमार जी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लॉकडाउन के अंदर
BMW 5 सीरीज को अचीव किया है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आग्रह करूंगा मिस्टर विजेंद्र कुमार जी से कि वो आए और दो शब्द बताए कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनका अगला कमिटमेंट क्या है। प्लीज वेलकम मिस्टर विजेंद्र कुमार जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा धन्यवाद, और आपने मुझे ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया, और सबसे बड़ा धन्यवाद अनुज सर का जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, असली प्रेस में लेकर आए। उसके बाद महागुरु जी शिव कुमार सर जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया इस बिजनेस के अंदर, और आज मैं इस लेवल पर हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे महागुरु जी महिपाल सर को जिन्होंने मुझे कदम कदम पर साथ दिया, कदम कदम पर संभाला, कदम कदम पर जो एजुकेशन दी, आज मुझे जिस वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आज मैं अपने बारे में बता दूं, नाम विजेंद्र कुमार, गांव का रहने वाला व्यक्ति जिसने कभी कार की सोची नहीं थी, कभी इतनी बड़ी कार की नहीं सोची थी। मैं जॉब करने वाला व्यक्ति, प्राइवेट जॉब किया, सरकारी जॉब किया, दिल्ली मेट्रो के अंदर मैंने 14 साल जॉब किया, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ये फाइल नहीं बनी कि तुम भी लग्जरी कार में आ सकते हो। जब मैंने SRPS को ज्वाइन किया 2016 के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस समय ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं मैं अपने स्थिति को संभालने के लिए, ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करता था मैं, कि स्थिति को संभालने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। इस प्रयास के चक्कर में मैं लगभग 25 लाख के कर्जे में आ गया, तो मेरे जो सपने थे सारे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा जिंदगी कर्जे चुकाने में ही जाएगा, कभी मेरी लाइफ में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जॉब के साथ साथ मैंने SRPS वेलनेस को 2016 में ज्वाइन किया, सितंबर में ज्वाइन करने के बाद, जिसका श्रेय जाता है मेरे गुरुदेव अनुसर को जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद मैंने एक फाइल बनाई, गुरुजी ने बताया, जब बिजनेस बढ़ता गया चलता गया, मैंने नहीं सोचा था कितना बड़ा भी अचीवमेंट हो सकता है, 10-20 हजार रुपए महीने में आ जाएगा, मैंने सोचा लाइफ में बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मुझे इस बिजनेस के अंदर लगभग 15 महीने हुए थे, तो इस बिजनेस के माध्यम से जो मैं कभी सोच नहीं पाता था कभी कार खरीद पाऊंगा, लेकिन 15 महीने के अंदर मैंने 12 लाख की सियाज परचेज की यहाँ से। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास जो कर्जा था 25 लाख रुपए का, वो मैंने यहाँ से सारा, मैं आज जीरो हो चुका हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। और मैं बताऊं कि जीरो होने के बाद जो सारा मेरा कर्जा था वो जीरो तो हो गया, लेकिन साथ के साथ तो मेरी लाइफ में जो परिवर्तन धीरे धीरे आता गया, धीरे धीरे चलता गया, और सबसे बड़ा परिवर्तन आया है जो कभी मैं अल्टो कार के लिए नहीं सोच पाता था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं इस बिजनेस के माध्यम से आज मैं, जैसे गुरुजी ने बताया, इसी महीने में 8 5 सीरीज की कार परचेज की है, तो इसका श्रेय सबसे बड़ा जाता है मेरे गुरु को, और इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया संजीव सर को जिन्होंने इतना बढ़िया SRPS का प्लेटफॉर्म बनाया, जिसकी वजह से हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जब मैं नौकरी से कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जो मेरा हर व्यक्ति का सपना होता है कि सरकारी जॉब मिलना, लेकिन मैं आज बता दूं कि उस आज से 2 साल पहले मैं उस मेट्रो की जॉब को पूरी तरह छोड़कर आज फुल टाइम SRPS करता हूं। जिस समय छोड़ा था मैंने, 40,150 का मेरा बेसिक था, लगभग 80,000 की मेरी ग्रोथ थी। लोग इसके लिए बहुत बड़ा तैयारी, बहुत बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन आज वहां से जो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, आज SRPS ने मेरे सपने सारे पूरे किए हैं। थैंक्स टू ऑल मेरे गुरुदेव, थैंक्स टू ऑल मेरी प्यारी प्यारी टीम, जिसके सपोर्ट के साथ में मैंने आज यहां तक पहुंचा। थैंक यू गुरुदेव। आपको बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, पूरे SRPS फैमिली की ओर से, लग्जरी कार अचीव करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, अभी हमें एक और लीडर को सम्मानित करने का वक्त आ गया है। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, वो भी आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और उनके अगर बात किया जाए तो आज उनकी एज 60 साल की है, लेकिन वो 20 साल से भी ज्यादा जवान यंग लगते हैं। और ये अगर इनके जोश की बात किया जाए, जुनून की बात किया जाए, डेडिकेशन की बात किया जाए, तो उनका कोई मिसाल नहीं है। आज 60 साल की एज में जहां अगर देखा जाए तो लोग अपने सपने को छोड़ देते हैं, इस एज में उन्होंने
BMW X1 अचीव किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वाराणसी के यंगेस्ट डायमंड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश जी। जी हाँ दोस्तों, एक उनके लिए आज दो दो खुशी की बात है। वो अभी जस्ट डायमंड बने हैं और डायमंड बनते उन्होंने BMW X1 कार अचीव किया है। तो मैं अब आग्रह करूंगा मिस्टर ओम प्रकाश जी से कि वो आए और वो दो शब्द शेयर करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं डायमंड बनने के बाद और लग्जरी कार अचीव करने के बाद। प्लीज वेलकम आवर डायमंड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश जी। थैंक यू गुरुदेव, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमको याद करने के लिए। और सारे महागुरु जी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हो पाया और हमारी जितने भी प्यारी टीम है सुन रही है। क्योंकि मैं एक आम इंसान था, 1980 में मैं आर्मी में गया था। अपनी जिंदगी के 34 साल मैंने आर्मी में दिया था, वहां भी संघर्ष किया, मेहनत किया और उसके बाद रिटायरमेंट होकर के आ करके जो पैसा जितना मैं पाया था, ऑलरेडी नासिक में मकान मैं बनाया था लेकिन बच्चे वहां रहने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं यहाँ बनारस में आया और बनारस में मकान बनाने में मेरा पूरा रिटायरमेंट का पैसा चला गया और 20 लाख लोन भी लेना पड़ा मेरे को। और 20 लाख लोन लेकर मकान बनाया, मैं कहा इसी में किराया हो जाएगा, घर खर्चा चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और समझ सकते हो कि मेरे को मजबूरी में एक सिपाही की जगह पर BHU में जा करके नौकरी करनी पड़ी। फीलिंग महसूस हो रही थी, एक अच्छे रैंक से आया था, सुबेदार मेजर से आया था, तो वहां पर वैकेंसी थी नहीं सुपरवाइजर की, तो मेरे को जा करके वहां पर एक सिपाही के तौर पर लेडीज हॉस्टल में गांधी स्मृति में, मैं कहा वहां कोई देखेगा ना, इसलिए मैं वहां ऑप्शन चुना था कि मैं वहां मेरे को फीलिंग नहीं होगी, तो मैं जा करके वहीं पर अपनी जिंदगी काट रहा था। और जो भी व्यक्ति, आप समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति 34 साल नौकरी करने वाला व्यक्ति 12 के लिए अगर मजबूरी में BHU में गया होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तब गया होगा एक इंसान। सारे लोग सुन रहे होंगे हमारे को, लाइव सुन रहे होंगे, उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अगर 12,000 के लिए नौकरी करने गया है BHU के अंदर, तो कुछ ना कुछ तकलीफ होगा, कुछ ना कुछ तो आशा रखता होगा बच्चों से, बच्चे फैमिली से। लेकिन दोस्तों मैं यही सोचा उस BHU के हॉस्टल में कि ओम प्रकाश नारायण, या तो जिंदगी, पूरी जिंदगी BHU में काटना पड़ेगा 10-12 हजार के लिए, या क्या करूं। तकलीफ में था, भगवान ने याद किया और मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, आज उनको याद करना चाहूंगा कि जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री में आया। उन्होंने रात को मेरे को 2:30 बजे मिले और घूमते हुए मिले हॉस्टल के पास और उन्होंने मेरे मुलाकात हुई और मेरे से, मैं उनके बारे में जानना चाहा, वो मेरे बारे में जानना चाहे। सब कुछ जानने के बाद बोलते हैं कितना अच्छा रैंक होने के बाद भी आप यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हो, तो सर मेरे साथ करियर लगाओ। थैंक्स बोलना चाहूंगा अमित कुमार दुबे सर का जो कि मेरे लाइफ में आए। थैंक्स बोलना चाहूंगा आदित्य सर को कि जो मेरे लाइफ में आए, आज वो मेरे मेंटर हैं, भगवान हैं, जिनकी वजह से आज मेरे को डर था कि ओम प्रकाश नारायण इस बिजनेस में सारा कुछ छोड़ करके। थैंक्स बोलना चाहूंगा शिव कुमार सर का, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले तैयार नहीं थे, मेरी वाइफ बोलती थी, क्योंकि मैं इस पैसे लिया था अपनी साली से और साली ने सब कुछ बता दिया, तो मेरी वाइफ पहले दिन से नाराज होगी कि कुछ भी कर लो, भीख मांग लो, लेकिन ये काम नहीं करना। मेरी बहन बोल रही है ये सब काम करके हम थक चुके हैं। थैंक्स बोलना चाहूंगा गुरुजी, मेरी वाइफ के सामने हाथ जोड़ के बोले 1 साल करियर दीजिए, अगर कोई ऐसा लगेगा आपका 12,000-14,000 रुपया लगेगा मैं दूंगा, लेकिन 1 साल मेरे साथ अपने हस्बैंड का करियर दीजिए और मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं पूरा परिवार आज बोलता हूँ कि 3 साल हो गया ओम प्रकाश नारायण कभी टीवी नहीं देखा, बोला था अब मेरे को फेल होने का डर था कि ओम प्रकाश नारायण अगर फेल हो गया तो मेरे जितने साली साले सब मना करते थे इस बिजनेस में नहीं आए और मेरे को मना करते थे, मेरे वाइफ को निगेटिव करते थे, वो सारे मैं वापस लौट के वहीं चला जाऊंगा। फिर एक दिन यहाँ पर अकस्मात MD सर का विजिट हुआ, उस समय हमारे गुरुजी के बेटी हुई थी और MD सर को मैं लेने के लिए गया था, वहां पर MD सर से मुलाकात हुई और मैं बोला गुरुजी मेरा बेटा नहीं आना चाहता इस बिजनेस के, बहुत कोशिश किया, तो MD सर ने बोला कि सर बाप का भी एक बाप होता है, मेरे पास लाइए, मेरे पास अगर 15 मिनट बैठा देते हो तो मैं उसकी नौकरी छोड़वा दूंगा, ये मेरा वादा है।
मैं जयपुर अपने बेटे को लेकर के वहां फंक्शन में गया था, मैं अपनी वाइफ को ले गया और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एमडी तो एमडी हैं, उन्होंने 15 मिनट के अंदर हमारे बेटे को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और आज हमारे साथ है। यहाँ आने पर बहुत सारी बातें हुई, वाइफ से भी बातचीत हुई क्योंकि ये करियर छोड़ का था। हमारे सारे गुरुजनों ने बोला कि ये तुम्हारे साथ सेट नहीं हो सकता, इसको वापस नौकरी करने दो, लेकिन दोस्तों नौकरी छुड़वा चुका था, नौकरी दोबारा लगवा नहीं सकता था। हम मैं बहुत सारे झेला उसके वजह से और आज मैं समझ सकता हूँ कि आज वो आपके सामने, हाँ मेरे सामने, आपके सामने वो स्टार सफायर बन के खड़ा हुआ है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों अगर डर नहीं होगा, मेरे को डर था। और तीसरी चीज, मैं कई बार गया, रो रो करके 3 बार गया दिल्ली में, महिपाल गुरु जी से मिला कि मैं कहा सर मेरा एक साइड तो कोई दिखना चाहिए। गुरु जी ने बोला कि ओम प्रकाश जी, जब तक दूसरे के ऊपर भरोसा करते रहोगे तब तक आंख से आंसू आता रहेगा, जिस दिन भरोसा करना छोड़ दोगे अपने ऊपर खड़े हो जाओगे उस दिन सारा कुछ। थैंक्स महिपाल सर, आपने मेरे को हिम्मत दी। और उस दिन दिल्ली में प्रोग्राम था और नसीब सर बोल रहे थे कि मेरे पास एक वो है और वहां पर उन्होंने बोला कि सर कुछ नहीं, घर छोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों उस दिन मैं घर छोड़ा, जा करके राजस्थान के अंदर जो भी मेरे साथ काम किए हुए लोग, जितने सूबेदार मेजर, जितने भी लेफ्टिनेंट, जितने भी कैप्टन थे, उनके पास गया और उनको भरोसा दिया कि सर मेरे साथ करियर लगाइए और आपका करियर मैं बेकार नहीं होने दूंगा। मेरे साथ वो सारे लोग आ गए जिसकी वजह से आज सफलता मिली है। मैं उस सारे जितने भी राजस्थान पार्टी में, मान सिंह शेखावत सर, आपके मनोहर सिंह साहब, अतर सिंह साहब, हमारे गणेश जी, हमारे अपना स्नेहा मैडम, श्याम दुलार पाल, उन सारों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे साथ अपना करियर लगाया और मैंने गारंटी दिया कि सर ये ओम प्रकाश नारायण की बची हुई जिंदगी आप लोगों के लिए है, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं आपको सफल करूंगा, एक मिनट चिंता नहीं करना। दोस्तों जिसकी वरद से आज हो पाया, उन्होंने सारे अपने जितने भी मेरे साथ, जितने भी सीनियर लीडर हमारे साथ अभी तक कपरोड़ किए, उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन बाकी बची हुई मेरी जिंदगी इससे आगे क्या बनना है। एक डायमंड एक सपना होता है और मैंने करके दिखाया, मैंने करके दिखाया और आगे भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये BMW आई है, 6 महीना बाद एक और बड़ी गाड़ी आएगी, ये आपसे वादा है। दोस्तों मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा, बस वो दर्द था, ये दर्द आपके सामने है और आज वादा करता हूं कि मेरे साथ अगर चलने का वादा करता हो, ये ओम प्रकाश नारायण कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन गारंटी आपको देता है कि मेरे साथ 3 साल करियर लगाइए। आपके साथ जो हुआ है पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्लेटफॉर्म एमडी सर ने एक मंदिर बनाया है और मंदिर उसको भगवान मानता हूं, पूजा करता हूं कि सर अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया होता तो हम सफल कैसे होते। 34 साल आर्मी में दिया था लेकिन वहां सफल नहीं हुए, ये प्लेटफॉर्म सफल करता है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं हमारे मंदिर का, हमारे भगवान का। थैंक यू गुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाइयां। आपको सुनने के बाद हम लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और हम आशा करते हैं कि आप लगातार रिकॉर्ड को ब्रेक करते जाओगे और नए कीर्तिमान बनाते जाओगे। बहुत बहुत बधाइयां सभी कार अचीवर को, लग्जरी कार अचीवर को। और डियर फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है हमें अपने डायमंड को सम्मानित करने का। जितने भी लॉकडाउन के अंदर पिछले महोत्सव के बाद जो डायमंड बने हैं, आज हम उनको सम्मानित करेंगे। और जैसा बोला जाता है, हर आदमी का एक सपना होता है लाइफ में डायमंड बनना। अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात किया जाए तो एक आदमी अगर डायमंड बनता है तो अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी खुशी लाइफ में कहीं नहीं होती है। और मैं डायमंड को कॉल करूंगा, लेकिन सभी डायमंड से, मेरे जितने भी न्यू डायमंड है, उन सभी न्यू डायमंड से आग्रह है कि वो समय का ध्यान रखेंगे। सिर्फ इतना ही उनको टाइम मिलेगा कि वो पहले क्या थे, कैसे SLPS में आए, क्या कुछ अचीव किए और कमिटमेंट क्या है। तो टाइम का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी डायमंड से कि अपनी बातों को शॉर्ट वे में दमदार तरीके से रखें, बहुत बेटर रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के हमारे पहले डायमंड है जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, वो बहुत ही ऑनेस्ट लीडर, बहुत ही ईमानदार और 100% गुरु भक्त लीडर। गुरु की बातों को 100% फॉलो करने वाले लीडर की अगर बात आती है
तो उनका नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आवर कंपनी न्यू डायमंड मिस्टर दिलीप चौबे जी के बारे में। तो आज हमारे दिलीप चौबे जी डायमंड बन चुके हैं और मैं उन्हें कॉल करना चाहूंगा और उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो आए और दोस्त सब शेयर करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनका अगला कमिटमेंट क्या है। सो वेलकम मिस्टर दिलीप चौबे जी। थैंक यू महाराज, माँ गुरु जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज इतने बड़े मंच से बोलने का आपने मौका दिया। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार जो आज इस लाइव सेशन को आज सुन रहे हैं, इस लाइव सेशन को आज अटेंड कर रहे हैं। साथियों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम दिलीप चौबे है, वाराणसी के पास से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। आज के ठीक 2 वर्ष पहले इस बिजनेस की शुरुआत मेरी हुई थी और इस बिजनेस जब मैं शुरुआत किया था उससे पहले मैं बर्बाद था, मेरी जिंदगी में तिरस्कार था, अपमानित था और हर जगह से परेशान हो चुका था। मेरे ऊपर 8 लाख रुपए से प्लस का मेरे ऊपर कर्ज था, कोई सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास में नहीं थी, कर्ज बढ़ता हुआ चला जा रहा था। उसी टाइम अचानक मेरी मुलाकात फेसबुक से आज डायरेक्ट सेलिंग में जिस व्यक्ति का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में जिनको सुनने के बाद में लोग डिसीजन लेते हैं, उनका नाम महागुरु जी श्री महिपाल सर से मेरी मुलाकात हुई और मैं सर के सामने बैठा। मैंने बोला, सर मैं आज बर्बाद हो चुका हूँ, आज मेरे पास में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में 7 साल कंटिन्यू देने के बाद में माइनस में आ चुका था। मैं बोला, महागुरु जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। महागुरु जी एक ही बात बोले, सर आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपके साथ में। महागुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस बिजनेस में लेके आए और मैं काम करना शुरू किया। साथियों, जहाँ लोग विश्वास नहीं करते थे, जहाँ लोग मेरे ऊपर हंसते थे, जहाँ लोग बोलते थे ये तो ऑलरेडी बर्बाद आदमी है, क्या बात होगा, उस टाइम एक बर्बाद आदमी की जिंदगी में महागुरु जी का हाथ आता है और महागुरु जी का साथ आता है और इनके साथ की वजह से मैं काम करना शुरू किया। आज मुझे 2 वर्ष हुए हैं काम करते हुए। जो दिलीप चौबे 8 लाख रुपए के कर्जे से इस बिजनेस से शुरुआत किया था, आज उस दिलीप चौबे की 1 सप्ताह की इनकम 13 लाख प्लस की इनकम हो चुकी है। 1 सप्ताह की इनकम 13 लाख प्लस की, आज मैं इस कंपनी के अंदर डायमंड बना। मेरे लिए बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात है कि आज मुझे दुनिया की सबसे शानदार कंपनी मेरे पास में है, AWPL, दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट मेरे पास में है, दुनिया का सबसे शानदार सिस्टम हाई टच सक्सेस सिस्टम मेरे पास में है। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म अच्छे रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे अपलाइन, इतनी अच्छी दुनिया की सबसे शानदार और महान टीम मेरे पास में मिली है। साथियों, इन सब की वजह से आज एक कामयाबी मिली है। आज मेरे माँ बाप के संस्कार, ऊपर वाले का आशीर्वाद, आज सबकी वजह से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जा रही है। और नेक्स्ट जो कमिटमेंट महागुरु जी, इसी 14 तारीख को, 14 अगस्त को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ब्रांड कार जगुआर लेके आ रहा हूं और जनवरी महीने के अंदर मैं फिर डायमंड से ब्लू डायमंड बन के आ रहा हूं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी सभी मेंटर, मेरी सभी लीडरशिप का, सभी अपलाइन, आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे महान अपलाइन किसी के पास में है तो दिलीप चौबे के पास में है। आज महागुरु जी शिव कुमार सर, आज अनु शर्मा सर, अमित दुबे सर, विजेंद्र सर, आज जितने सारे लोग मेरे अपलाइन में आते हैं, आज मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज महागुरु जी का स्पेशल आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, हर कदम कदम पे महागुरु जी मुझे गाइडलाइन देते रहते हैं, जहां भी मैं गलत होता हूँ तुरंत वहां टोक के मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दुनिया के महान मेंटरशिप में काम करने का मौका मिला है। साथियों, आज के लिए इतना ही, समय वक्त मिलेगा तो जरूर आपके सामने नेक्स्ट अचीवमेंट के साथ में मैं आप सामने प्रेजेंट हूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू महाराज गुरु जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर दिलीप चौबे जी आपको डायमंड बनने के लिए, और आपका कमिटमेंट है कि बहुत जल्दी जैगुआर आएगा तो हम परंपरा से ये आशा करेंगे और दुआ मांगेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके पास जैगुआर आए। बहुत बहुत बधाई। डियर फ्रेंड्स, अभी हमें अपने दूसरे डायमंड को सम्मानित करने का वक्त है।
मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। वो बहुत ही ईमानदार पर्सनालिटी है, बहुत ही ऑनेस्ट लीडर और गुरु की बातों को 100% फॉलो करने वाले लीडर हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे वाराणसी के न्यू डायमंड लीडर मिस्टर विनोद सोनी जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज वो हमारे भी डायमंड बन चुके हैं, तो मैं अब उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और दोस्त सब शेयर करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर विनोद सोनी जी। विनोद सोनी जी म्यूट कर लो, म्यूट अपने आप को आप अनम्यूट करें। सबसे पहले हमारे सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन, जो इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिए, धन्यवाद गुरु जी। आज से 3 साल पहले बिजनेस को शुरुआत हुआ था, एक भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में, जो मुझे एक भरोसा दिलाया हमारे गुरु मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर, कृष्णा सर, जिनके गाइडलाइंस पे मैं काम करता हूँ, और जो हमारे आइडियल हमारे भगवान सारे हमारे गुरु जी हैं, जैसे अमित दुबे सर हैं, हमारे अवधेश नारायण सर जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, हमारे श्री कुमार सर, महिपाल सर, सभी जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे जितेंद्र सर जो अभी न्यू ब्लू डायमंड बने हैं, हमारे कृष्णा सर जो न्यू ब्लू डायमंड बने हैं, और जिनके गाइडलाइंस में मैं काम करते करते आज 3 साल का सफर हो गया। और 3 साल पहले एक भरोसा नहीं हो रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं भी सक्सेस और डायमंड बन सकता हूं। और आज जब मैंने गुरुजी की बातों को फॉलो किया 100% बात को फॉलो करने के बाद जो आज मुझे सफलता आई है यहाँ पे, मात्र 3 साल के अंदर मैं डायमंड बन पाया और इसमें आई मेरी लगभग 80 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम आई। उससे पहले मैं बनारस में एक छोटी सी नौकरी किया करता था, 4 से 5 हजार रुपए की नौकरी किया करता था, और कंप्रोमाइज भरे जिंदगी में मैं जी रहा था। जो इंसान कभी 3,000, 4,000, 5,000 रुपए के लिए सोचता था और नौकरी करता था, आज वो विनोद सोनी SLPS प्लेटफॉर्म से लगभग 3 से 4 लाख रुपए महीने कमा लेता है। और ये सब हो पाया एक प्लेटफॉर्म की वजह से और हमारे गुरु जी जनों की वजह से हो पाया। और मैं आज यहाँ से SLPS प्लेटफॉर्म से जो मैं कार अचीवर बना, एक क्रेटा टॉप मॉडल की मैंने अभी बिजनेस में मेंटेनेंस कर रहा हूँ क्रेटा टॉप मॉडल, और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड पे मैं एक लग्जरी कार लेकर आ रहा हूँ। और ये सब हो पाएगा तो हमारे गुरु जी और हमारे प्यार की प्यारी टीम की वजह से। थैंक यू सो मच गुरु जी। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर विनोद सोनी जी आपको डायमंड बनने के लिए, हमारे तरफ से पूरे SLPS फैमिली की तरफ से ढेर सारे। और डियर फ्रेंड्स, अभी हमें नेक्स्ट डायमंड को सम्मानित करने का वक्त है। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, मैं पर्सनली उनको जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था लगभग उसके 2 साल बाद, मैं उनको पर्सनली जानता हूं उन्हें। और उनके बारे में बताना चाहूंगा, वो पहले एक बिजनेस प्रोफाइल से थे जहां पर उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया था, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आए, लेकिन लगातार 7 साल स्ट्रगल करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन महागुरु जी महिपाल सर के गाइडलाइन में दोबारा उन्होंने SLPS स्टार्ट किया और आज वो अपने सपने को पूरे किए हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो डायमंड बनना हर व्यक्ति का सपना होता है, और आज वो SLPS में कुछ ही दिनों में अपने डायमंड बनने का सपना को पूरा किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आवर कंपनी न्यू डायमंड लीडर मिस्टर सुशील मलिक जी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुशील मलिक जी के बारे में, मेरठ से बिलोंग करते हैं, और मैं चाहूंगा कि सुशील मलिक जी आए और 2 शब्द आपसे शेयर करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं डायमंड बनने के बाद और उनका अगला कमिटमेंट क्या है। प्लीज वेलकम मिस्टर सुशील मलिक जी। गुरु जी नमस्कार, सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श, और मेरी प्यारी टीम को प्यार भरा नमस्कार, और स्पेशल थैंक्स गुरुजी महिपाल सर
शिव कुमार सर और हमारे ग्रेट मेंटर यंग लीडर मिस्टर अनुज सरकार, जिन्होंने मेरा कदम कदम पे साथ दिया। दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं, नाम सुशील मलिक और मेरठ से बिलोंग करता हूं। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मैं यूपी रोडवेज में ड्राइवर हुआ करता था और मुझे नहीं लगता था कि जिंदगी में कभी लाखों रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों महिपाल गुरुजी से पुरानी दोस्ती थी, पुराने संबंध थे, तो बातचीत होती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हम लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और गुरुजी मुझसे बार बार मिलते रहे, एक डेढ़ साल तक कंटिन्यू मिलते रहे और मैं उनको टालता रहा कि गुरुजी ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होते, क्योंकि मैं रोडवेज में जॉब कर रहा था, वहां से लाखों रुपए सैलरी नहीं मिलती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही महिपाल गुरुजी ने जैगवार परचेज की और वो घर पे आए मिठाई का डब्बा लेके, तो दोस्तों यकीन मानिए उस दिन रात को नींद नहीं आई कि जब सर गाड़ी ले सकते हैं, डेढ़ साल में ये जैगवार ले सकते हैं, तो अरे बेवकूफ मैं कुछ नहीं तो ज्यादा नहीं तो अल्टो तो तेरे पास भी आ सकती थी। दोस्तों यकीन मानिए उस दिन से शुरुआत करी। 10 नवंबर 2017 हमने जयपुर का फंक्शन देखा और उसके बाद मैंने काम शुरू किया। और दोस्तों गुरुजनों की गाइडलाइन में और टीम के सहयोग से दोस्तों आज 3.5 साल का टाइम हुआ है और 3.5 साल में आज मैं उस रोडवेज की नौकरी को छोड़ के फुल टाइम AWPL करता हूँ। और अचीवमेंट की बात करें दोस्तों, पहले 11 महीने में मैं गुरुजी के आशीर्वाद से और टीम के सहयोग से दोस्तों 16 लाख रुपए की होंडा सिटी परचेज की थी। दोस्तों उसके बाद मैं मेरठ में किराए पे रहता था। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसे ही मेरा नोवा लेवल आया, दोस्तों मैंने दिसंबर में यहाँ से मेरठ के अंदर 26 लाख रुपए का मकान परचेज किया। और दोस्तों आज गुरुजी के आशीर्वाद से, टीम के सहयोग से, मैं 10 जुलाई को डायमंड का लेवल मैंने कंप्लीट किया है, जिसके लिए एक चाहत होती है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है कि मैं डायमंड बनूं। और दोस्तों ये सब मेरी बस की बात नहीं थी, मेरी पहुंच नहीं थी, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। टाइम टाइम पे गाइडलाइन मिलता रहा, जहां भी हौसला डगमगाया तो हमें हाथ पकड़ के साथ लेके चले। और टीम के सहयोग से दोस्तों आज अचीवमेंट की बात करें तो आज 50 लाख से ज्यादा मैं 3.5 साल में यहाँ से कमा चुका हूँ। और थैंक्स गॉड कि आज हमें ऐसी संस्था मिली, ऐसी कंपनी मिली और ऐसे महान गुरु मिले। अगर ये जिंदगी में ना होते तो आज भी ये सुशील मलिक वही रोडवेज की बस चला रहा होता। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गुरुजी, आशीर्वाद आपको, आपने इतने अच्छे इंडिया लेवल पे बोलने का मौका दिया। अगेन धन्यवाद गुरुजी और मेरी प्यारी टीम का धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो सुशील मलिक जी आपको डायमंड बनने के लिए। और डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे आज के एक और डायमंड लीडर हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं और जब इस इंडस्ट्रीज में आए थे तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि लगात इतना जल्दी नए कीर्तिमान को बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत बदला, बहुत चेंज किया, सिस्टम के मुताबिक काम किया और अपनी ईमानदारी, मेहनत और डेडिकेशन के दम पर बहुत ही कम समय में उन्होंने डायमंड रैंक को अचीव किया। और जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे रांची के न्यू डायमंड लीडर मिस्टर मोहन साव जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे भी वो डायमंड बन चुके हैं और मैं मोहन साव जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और दो शब्द बताए कि वो कैसा फील कर रहे डायमंड बनने के बाद। प्लीज वेलकम मिस्टर मोहन साव जी। गुरु जी, सबसे पहले तो आप सारे लोगों को नमस्कार जो हमें इस मंच पे आज बोलने का मौका दिए। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में गुरु जी कहना चाहूंगा कि मैंने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने आने का बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे महागुरु मिस्टर ज्ञानेंद्र सर का, यहाँ से उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बड़ा रोल रहा है हमें आज डायमंड राइंड तक पहुँचाने के लिए। और इसके साथ में हमारे अमित दुबे जो महागुरु हैं कि हमेशा टाइम पे हमें मोटिवेट करते रहे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं नॉलेज था, कुछ नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपये की अर्निंग की जाती है। लेकिन जब भी मैंने फोन किया तो हमेशा वो उन्होंने आश्वासन दिए और मुझे काम करने का प्रेरणा दिए और मैं सिस्टम पे काम करते गया, गुरु भक्ति का काम करते गया। और आज मैं यहाँ पे आप लोग को आशीर्वाद से डायमंड बन चुका हूँ। और आज महिपाल सर का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा रोल रहा है। जब भी मैंने फोन कॉल भी किए, बिल्कुल उन्होंने हमें मैसेज किए और मैं यहाँ पे डायमंड बन के आज वाकई में मैं अपनी जिंदगी में धन्य हो गया हूँ कि आज हमारे माता पिता इतने अच्छे
संस्कार दिए कि आज जो ऊपर वाले जो हमारे अपलायन कहते थे आज उन चीजों को मैं फॉलो करता गया और आज मैं 2 साल के अंदर में आज मैं यहाँ पे डायमंड बन गया हूँ। तो यहाँ पे सबसे बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी प्यारी सी टीम, जैसे अभिषेक सर, मुकेश सर, यहाँ पे छोटे लाल सर हैं, सुरेश सर, इन सारे लोगों ने मुझे कदम कदम पे सपोर्ट किया, साथ दिया और कभी भी हम लोग सिस्टम में नेगेटिव नहीं हुए। गुरु जी और हमारे साथ जितने भी लोग आए हुए हैं मैं कमिटमेंट करता हूँ गुरु जी आपके कि आने वाले 1 साल के अंदर में हमारे रांची से 5 लोगों को मैं डायमंड बना करके लाऊंगा और यहाँ पे डेडिकेशन के साथ में मैं काम करूंगा। और दूसरी कमिटमेंट है गुरु जी की अभी 1 सप्ताह के अंदर में मैं 20 लाख का कार परचेज करने जा रहा हूं और इसमें हमारे महागुरु यहां पे ज्ञानेंद्र सर यहां पे जरूर आएंगे और हमें उन कार का चाबी देंगे, क्योंकि हमें वो दिन याद है जब मैंने टीचिंग लाइन में 400-500 की नौकरी करते थे तो उन्होंने बाइक का चाबी देने के बाद इन्होंने बोले थे सर आज मैं आपको बाइक का चाबी दे रहा हूं, आने वाले 2 साल के अंदर में मैं आपको कार की भी चाबी दूंगा। तो वो पल आज मुझे याद आ गई है कि बस वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 1 वीक के अंदर में गुरुजी मैं यहाँ पे 20 लाख का कार परचेज करने जा रहा हूँ। बस इसी तरह से आप सारे लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहे, मैं आप लोगों को चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। कभी भी अपने से मैं पीछे नहीं हटा हूँ और मैं अपने टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे रात दिन इस लॉकडाउन में भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किए। और सबसे बहुत ज्यादा रोल रहा है कि अमित दुबे सर का, जो हमें इतने सोशल मीडिया पे मुझे कुछ नहीं आता था। थैंक यू सो मच मोहन साहब जी, 1 मिनट का समय है, समय ज्यादा गुरु जी, थैंक यू ओके, थैंक यू, बहुत बहुत बधाइयां आपको डायमंड बनने के लिए। और डियर फ्रेंड्स, अभी हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के लिए आगे आपके बीच इस महोत्सव को होस्ट करने के लिए मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं जिनके बारे में हम अगर कुछ भी बताएंगे तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। वो हमारे आइडियल है और आज अगर शिव कुमार अगर यहाँ पर पहुंचा है या आज एसली पीएस में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है तो उसके पीछे अगर किसी का रोल है, सबसे बड़ा रोल है एक इंसान के रूप में, वो भगवान के रूप में हम देखते हैं उनके अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं कॉल करने जा रहा हूँ हमारे आइडियल, हम सभी के गुरु, MLM King कंपनी फर्स्ट क्राउन डायमंड मिस्टर महिपाल सिंह जी को, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे साथ पैनल पे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी व्यूअर हैं हमें सुन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, उन सबका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। दोस्तों, हम आगे कुछ एक्टिविटी है जिनका मैं अनाउंस करता हूँ और साथ में हमारे डायमंड से आप मिल चुके हैं लेकिन सारे रैंक को, हर जगह क्या होता है रैंक कम होती है, बोलने के लिए टाइम बहुत होता है लेकिन असली पेस वेलनेस हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे अचीवर इतने ज्यादा है, टाइम इतना कम है कि सबको बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ लोगों के नाम है, उनका भी उन्होंने भी बहुत बड़ा एफर्ट किया है, बहुत बड़ी मेहनत की है और पिछले 1 महीने के अंदर उन लोगों ने हमारे साथ में मिलके मेहनत करके अपने हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चों के साथ में दुबई का ट्रिप क्वालिफाई किया है और यहाँ पे सपायर बने हैं, यानी कि तकरीबन 4 लाख रुपए के आसपास का एक सिंगल चेक उन्होंने सिंगल वीक में लिया है। उन सभी लोग जहां भी मुझे सुन रहे हैं आप सभी लोग उनको वहीं पे बधाई दीजिए। सबसे पहले दिल्ली से मिस्टर राज सोनी जी हैं, दूसरे मिस्टर वीएस त्रिपाठी जी हैं, मिस्टर रविंदर कुमार जी हैं, मिस्टर प्रेम सिंह जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, राधा मैडम है कानपुर से, सचिन कुमार जी हैं, आर के सिंह जी हैं, सत्येंद्र दुबे जी हैं, मिस्टर मोहम्मद सदीक जी हैं जम्मू से, मिस्टर रविंदर सिंह जी हैं जम्मू से, मिस्टर मुकेश जी हैं अमरोहा से, मिस्टर वेद प्रकाश बघेल जी हैं आगरा से, उसके बाद में मिस्टर सुनील सोनी जी जो बीकानेर से हैं, मिस्टर तेज बहादुर जी जो सागर से हैं, मिस्टर भगवान सिंह राठौर जी जो जयपुर से हैं, मिस्टर महावीर सिंह जी जो जयपुर से हैं, ये सारे के सारे लीडर इसी वीक में हमारे बीच में सपायर बन के आए हैं, मतलब 4 लाख के आसपास की इनकम 1 वीक में ली है और इन्होंने अपने खानदान का एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है कि खुद ही नहीं पूरे परिवार के साथ जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये अपने वाइफ बच्चों के साथ या मैरिड नहीं है तो मम्मी पापा के साथ दुबई घूमने के लिए जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है और हमारी कंपनी के सारे सप्लाई लीडर को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए आपसे मैं मिलवाना चाहता हूं हमारी कंपनी के ऐसे लीडर्स का, और वो लीडर्स नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई आदमी ज्वाइन होता है तो एक ड्रीम जरूर होता है क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई आता है फर्स्ट टाइम
उसको नहीं पता होता है डायमंड क्या होता है, स्टार सफायर क्या होता है, लेकिन एक चीज जरूर होती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर हर आदमी एक काम के लिए आता है कि मुझे बनना है एक बार इस जिंदगी में करोड़पति। और उन लोगों ने अपनी जिंदगी में करोड़पति बनने का ठप्पा लगाया है, मतलब करोड़पति बन चुके हैं असली फेस वेलनेस से। और ऐसे दो लीडर हैं जो बहुत ही दो तीन दिन पहले ही बने हैं, पहले उनसे हम मिले। एक जोरदार क्लिपिंग के साथ हम कॉल करेंगे मिस्टर कृष्णा जी को, जो कि वाराणसी से हैं। प्लीज कृष्णा जी, आप वेलकम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिनके आशीर्वाद से आज ये मौका मिला है मुझे इस महोत्सव में अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने का। तो सबसे पहले मेरा नाम कृष्ण कुमार पड़ेगा, मैं एस्लीपियस वेलनेस को आज से 3 साल पहले शुरुआत किया था, और कोई भी शक कोई भी डाउट नहीं था, ना तो अपने अपलाइन के प्रति, ना डाउनलाइन के प्रति, ना सिस्टम के प्रति, ना प्रोडक्ट के प्रति। एट अ टाइम डिसीजन लिया था दोस्तों। बोलते हैं कि मौके पे जो चौका मारता है वो जिंदगी में कामयाब होता है। दोस्तों जब ये मेरे लाइफ में मौका आया था और श्री कुमार सर ने मेरे इस प्लान के बारे में बताया था, और हमारे महागुरु मिस्टर प्रणव सर जिनके माध्यम से ये प्लान देखने का मौका मिला, मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। दोस्तों हमारे गुरु जी ने बोला था श्री कुमार सर ने कि कृष्णा जी अगर आप मेरे बताए गए सिस्टम पे चलोगे तो आपने पीछे क्या किया डजंट मैटर, लेकिन यहां से अगर आप मेरी बातों को मानो और मेरे डायरेक्शन पे चलोगे तो आप 3 साल में करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, वो गुरुजी का बताया गया एक लाइन मेरे दिमाग में छप गया, और मैंने फिर ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना आगे ना पीछे, मतलब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन साथ देगा नहीं देगा, बस एकदम लग गया एकदम काम पे दोस्तों, और आगे बढ़ता गया। दोस्तों आज 3 साल के अंदर मैं आपके सामने ब्लू डायमंड हूँ, और इसके साथ साथ मैं इस बिजनेस के अंदर करोड़पति बना गुरु जी के आशीर्वाद से। और आज इस बिजनेस के अंदर दोस्तों जैसा हर सपना होता आदमी का कि वो डायमंड बने, करोड़पति बने, ब्लू डायमंड बने, हर आदमी का सपना होता है, मैंने सपना पूरा किया। और आज साथ में हमने अपने लिए बेहतरीन गाड़ी जो हर आदमी का ड्रीम कार होता है, और उस कार का नाम दोस्तों मर्सिडीज, जो मैंने यहाँ से अचीव करी है, और इसमें सहयोग हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, प्यार, हमेशा गाइडलाइन आशीर्वाद मिला है। इसके साथ साथ हमारी टीम ने हमारे दिन रात मेहनत एक किया, तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी टीम का, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में भी साथ दिया, लगातार खड़े रहे, चलते रहे, डटे रहे। और दोस्तों कमिटमेंट इंसान को बहुत आगे ले जाता है। दोस्तों मैंने एक कमिटमेंट किया था कि जिंदगी बदलेगी तो स्लीपर से बदलेगी दोस्तों, और अच्छे दिन भी आए बुरे दिन भी आए, बिजनेस हमेशा उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन दोस्तों कभी हिम्मत नहीं हारा, और ये हौसला हमारे गुरुजनों से मिला हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ दोस्तों। और बहुत-बहुत बधाई हो आपको, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। और दोस्तों इसी श्रेणी में हमारे न्यूली ब्लू डायमंड हो रहे हैं, मतलब वो भी करोड़पति बन चुके हैं, मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्या जी, जो की एक साथ ही करोड़पति बने हैं, कृष्णा जी और जितेंद्र जी, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। गुरुदेव को सबसे पहले नमस्कार, और सारे गुरु जो लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को मौका दिया। और सबसे पहले तो आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एसलीपीएस का जो पहला नाम आया था मिस्टर महिपाल गुरुजी के मार्फत, और दूसरा जो नाम मेरे को मिला एसलीपीएस का प्लान मेरे को मिला था मिस्टर शिवकुमार गुरुजी के मार्फत, और शिवकुमार गुरुजी ने एक ही बात बोला था, जितेन जी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे किए हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एसलीपीएस में एक साल में कोई करोड़पति बन सकता है तो आप तो 3 से 5 साल में बन सकते हो। मैंने बोला सर 10 साल में बनेंगे, और गुरुजी आप लोगों के आशीर्वाद से सहयोग से आज मैं करोड़पति बना हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपने बारे में मैं बता दूं, मेरा नाम जितेन कुमार मौर्य हुआ, मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ, और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में काफी दिनों से संघर्ष हम लोग कर रहे थे, और एसलीपीएस प्लेटफॉर्म पे जैसे कृष्णा सर ने बताया कि डाउट नहीं हुआ, क्योंकि गुरुदेव वही थे हम लोगों के बीच में, 1% भी जब से हम लोगों ने देखा थोड़ा भी डाउट नहीं हुआ, और डाउट ना होने के वजह से आज उसी तरीके से मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के दुनिया की बेहतरीन टीम हमारे साथ में, मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे साथ में है। और उस कोर कड़ी में मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर विनोद सोनी, स्टार सफायर सूर्या प्रकाश मिश्रा, सुमित गुप्ता, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनके वजह से आज मैं 3 साल के
के दौरान मैं करोड़पति बना। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों रुपया तो बहुत जगह से कमाए जा सकते हैं और मैं भी कमाया था, हजारों रुपया कमाए जा सकते हैं, लेकिन SLPS वही करेगा जिनको करोड़पति का डब्बा लगाना है। और आज मैं प्राउड फील करता हूँ सारे गुरुदेव लोगों को, मैं नमन बहुत करता बहुत बधाई हो जितेंद्र सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आपको करोड़पति बनने के लिए। और दोस्तों आपको मैं खास चीज बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने पुराने टाइम में सुनी है और ये एक श्लोक मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है, उसके आगे क्या लाइन बोलते थे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन SLPS वेलनेस में एक चीज बोली जाती है कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है, उसके पास बिना कलच और बिना गियर की गाड़ी होती है। और यहाँ जितने भी लोग आप पैनल पे देख रहे हैं, हर अचीवर जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं, हर अचीवर ओडी BMW मर्सिडीज जगुआर का ओनर है। और अभी जितने भी ब्लू डायमंड है, दोस्त सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम बहुत कम है, सिर्फ अपने टेस्टिमनी दे, और मुझे मालूम है आपके पास जो भी गाड़ी है उसके बारे में जरूर बताएं। तो मनोज जी आपका वेलकम है, बहुत बहुत मनोज सर। गुरुदेव को नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार कि आज काफी दिन के बाद ऑनलाइन मिलने का मौका मिल रहा है। मैं आज समय कम है, 15 साल से नौकरी कर रहा था, नौकरी करके जिंदगी में बदलाव नहीं हुआ, फिर गुरुदेव के माध्यम से, महागुरु के माध्यम से, अनुज सर और महिपाल सर के माध्यम से मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला। मैंने विश्वास किया, काम किया, जिंदगी में कुछ चेंजिंग करना चाहता था, परिवर्तन करना चाहता था, जैसे बताया वैसा काम किया। दोस्तों 6 महीने में तो पाज हुआ, अगले 6 महीने में रुबिस्टार हुआ, अगले 6 महीने, 6 महीने में अपना लेवल अचीव करता गया। और अभी से 3 महीना पहले मेरा ब्लू डायमंड करोड़पति क्लब में हो गया था। और बता दूं कि अगले 3 महीने में, मतलब नवंबर में ब्लैक डायमंड का लेवल अचीव हो जाएगा। और ब्लैक डायमंड का लेवल अचीव होते ही टोटल जो इनकम मेरी होने वाली है वो 2.25 करोड़ के आसपास हो जाएगी। दोस्तों आज प्लेटफॉर्म के वजह से, महागुरु के वजह से, आशीर्वाद से, आज मनोज शर्मा जो कभी बाइक से घुमा करता था, आज अपनी ब्लू रंग की जगुआर जिसको मैं टार्जन बोलता हूँ, आज रोड पे 200 की स्पीड से चलता हूँ। आज जिंदगी में इतना परिवर्तन हो गया। और अभी आपको लेटेस्ट 6 महीने में एक गुड न्यूज मिल जाएगा कि मैं अभी 2.25 करोड़ का एक फ्लैट लेने वाला हूँ नोएडा के अंदर। बहुत बहुत बधाई हो मनोज जी आपको आपकी जगुआर के लिए। और दोस्तों एक लग्जरी कार अचीवर और हमारे ब्लू डायमंड से मैं आपको मिलवाता हूँ, मेरिट से मिस्टर विकास जी। विकास सर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सबसे पहले तो सभी मेंटर्स, सभी गुरुओं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच पर, इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। और जितने भी व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उनका प्यार हमें मिला हुआ है। दोस्तों नाम विकास कुमार और मैं आर्मी में जॉब कर रहा था। 25 फरवरी को मेरी आर्मी में जॉब लगी थी और आर्मी में जॉब लगने के बाद बहुत खुश हुए थे। और जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे नहीं पता था ये क्या काम होता है, बहुत सारे लोगों को आज भी लगता होगा पता नहीं ये कौन सा काम होता है, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसी दरमियान मुझे डायरेक्ट सेलिंग को समझने का मौका मिला और मैंने काम करना स्टार्ट किया। बट बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। और बहुत दिन मेहनत करने के बाद भी कुछ भी बदलाव नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार। और जब जॉब से मैं आ रहा था तो रिवॉल्वर का लाइसेंस मैंने बनवा लिया था कि कुछ पेंशन आएगी, कुछ यहाँ से आएगा तो गुजारा ठीक ठाक चल जाएगा, शायद हर इंसान और हर एक आम आदमी यही सोचता होगा और मेरी भी यही सोच थी। लेकिन उसी दरमियान जो हमारे मेंटर आप पैनल पे देख रहे होंगे मिस्टर शिव कुमार जी का लगातार मेरे पास कॉल आया कि विकास जी ये जबरदस्त सिस्टम है और SLPS एक ऐसी जिंदगी है जहाँ पे सपने दिखाए नहीं जाते बल्कि पूरे भी होते हैं। और महिपाल गुरु जी से भी बात हुई तो मुझे लगा कि शायद एक बार डिसीजन लेके देखते हैं। और दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत फास्ट अचीवमेंट आए मर्सिडीज कार भी, क्योंकि मैं धन्यवाद उन लोगों का भी देना चाहूंगा जो मेरे साथ नहीं आए, आए तो उनका भी धन्यवाद, नहीं आए तो उनका भी धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे भाई तेरी वाली पे कपड़ा मार देंगे, हालांकि आज वो दिखाई नहीं देते कहाँ पे है कपड़ा मारने वाले, बट एक आग लगती थी जल्दी से कि साला कपड़े की नौबत तो जरूर लानी है, तुम मारो या मत मारो लेकिन गाड़ी ला के जरूर खड़ी करेंगे। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा अपलाइन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था लेकिन अपलाइन के कॉन्फिडेंस की वजह से शायद मैं आज इस जिंदगी में इतना बड़ा सफलता ले पाया हूँ।
और ये जो तीनों पैनल पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तीनों गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे लिए तो शायद उससे कम नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आया। रिश्तेदार तो पहले भी बहुत ज्यादा थे, रिलेटिव भी बहुत थे, लेकिन अगर जिंदगी में, क्योंकि शिव कुमार सर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाए और अमित दुबे गुरु जी का मुझे लगातार ट्रेनिंग और मेरे लोगों को ट्रेनिंग से मुझे आज इतना डेवलप किया कि मैं अपनी जिंदगी बहुत बहुत बधाई हो विकास जी आपको इसी अच्छी बहुत धन्यवाद गुरुदेव इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू। ब्लैक डायमंड बन के इन सब लोगों से मिले, दोबारा से आपके ब्लैक डायमंड के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। और दोस्तों इसी श्रेणी में एक और लग्जरी कार अचीवर हमारे ब्लू डायमंड मिस्टर हरेंद्र जी से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम हरेंद्र जी। जी गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। और गुरु जी लगभग मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर मेरे गुरु महागुरु अनुसर को, जिनकी वजह से फेसबुक के माध्यम से मुझे यह जानकारी मिली। और आज से 28 महीने पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, आज 28 महीने कंप्लीट हो गए। आज मर्सिडीज सी क्लास कार है, एक अभी अच्छा 50 लाख का डुप्लेक्स घर भी लिया हूँ, और अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 1,70,00,000 रुपए मैं आज तक कमा चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत बधाई हो हरेंद्र जी आपको। और दोस्तों मैं खास ही बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ। आप लोग जो जहां से भी हैं अपने शहर का नाम लिख के जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अपना मोबाइल में अपना नंबर जरूर पोस्ट कीजिएगा, ताकि जिसको भी आपके शहर के आसपास से किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो तो वो नियर बाई जो भी शहर का आपसे ज्वाइन कर लेगा। मतलब आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि जिन लोगों को भी आपसे कॉन्टेक्ट करना हो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। दोस्तों इसी श्रेणी में मैं आपसे आगे से मिलवाना चाहता हूं एक और हमारे दमदार लीडर मिस्टर संजय कुमार जी से। सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आपको। नमस्कार माँ गुरुदेव, और नमस्कार सभी सीनियर लीडर अप्लायंस, और जिनकी वजह से आज मेरे को यहाँ बोलने का मौका मिला। मेरी इतनी औकात नहीं है कि इतने लोगों के सामने मैं फेसबुक लाइव आकर के, पूरी दुनिया आज देख रही है इसको। मैं कुछ ही बताने से पहले चाहूँगा, मैं दो शख्स का धन्यवाद कभी भी भूल नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं उन दोनों लोगों की वजह से हो, मिस्टर महागुरु महिपाल सर जिनके फेसबुक के थ्रू मेरी बात हुई और सर के द्वारा मेरे को प्लान देखने का मौका मिला, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और दूसरे मिस्टर अनु शर्मा सर गुरुदेव, अगर वो मेरे साथ नहीं होते, गाइडलाइन नहीं देते, तो शायद मेरी अचीवमेंट यहाँ तक नहीं होती और मैं शायद आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाता। बहुत शॉर्ट बोलना चाहूँगा, टाइम बहुत कम है। मायसेल्फ संजय कुमार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। गांव में मेरा ये मकान नहीं था रहने के लिए, हमारे पिताजी प्लान करके दिल्ली में आज से 30 साल पहले है, घर नहीं है गाँव के अंदर, एक भी घर नहीं था हमारा, दिल्ली में भी रेंट पे रहते थे। लेकिन इस बिजनेस में आज 4.25 साल एक विश्वास मैंने काम करना शुरू किया। गुरुदेव ने सिर्फ एक ही कंधे पर हाथ रख के मेरे को बोला कि संजय जी विश्वास कर सकते हो, मैंने गुरुदेव इतना तो जरूर कर सकता हूँ, कुछ करूँ ना करूँ विश्वास जरूर कर सकता हूँ। और महागुरु जी ने मेरे कंधे पर और मेरे स्टेटस पर लगा मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला कि संजय बहुत बड़ा काम करेंगे, टेंशन फ्री होकर काम करना। और मैं बताना चाहूंगा, जिस घर में बैठा हूँ गुरुदेव की वजह से, जहाँ रेंट में रहता था, आज मैं गुरु जी की वजह से देन है, जिस घर में बैठ करके आप मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर मेरा अपना मकान है, गाँव में जहाँ पे मेरा घर नहीं था वहां पे मैंने माता पिता के लिए बहुत बड़ा मकान बना करके दिया, शानदार आलिशान मकान बना के दिया है। और जहाँ मैं साइकिल से चलता था, बाइक से चलता था, कभी सोच नहीं बनती थी, आज मेरे पास ब्रिजा कार भी है, मेरे पास में दूसरी अभी लग्जरी मर्सिडीज कार आने वाली है, लॉकडाउन में से रुकी हुई है। मैं भी कुछ दिन पहले गया था तो बोले सर नवंबर में कार आने वाली जो मुझे चाहिए, और नवंबर आते आते जैसे ही कार आएगी तो आपके सामने मर्सिडीज कार का ओनर भी हो चुका हूँ, पैसे वे सब जा चुके हैं, सारे कुछ जा चुके हैं। और इस कंपनी से पूरी इनकम की बात करूं तो लगभग 2.25 करोड़ के आसपास में टोटल इनकम कर चुका हूं, और इन सब का श्रेय मेरी प्यारी से टीम बुलंद टीम हिंदुस्तान की सबसे जबरदस्त टीम मेरे साथ। बहुत बधाई हो संजय जी आपको आपकी लग्जरी गाड़ी के लिए। थैंक यू गुरुदेव। और दोस्तों इसी श्रेणी में आगे से आपको फिर मैं एक निवासी 90 नंबर की सीरीज से मिलवाता हूं, क्योंकि हमारे यहां पे लग्जरी गाड़ी नहीं होती, लग्जरी नंबर भी लग्जरी होता है। जी ऐसे ही मिस्टर संदीप कुमार जी फ्रॉम सीकर, वो भी हमारी कंपनी के करोड़पति क्लब में शामिल है और आज लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम संदीप कुमार, सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और इस AWPL प्लेटफॉर्म पे आज से लगभग 4.5 साल पहले महिपाल गुरु जी के माध्यम से आने का मौका मिला था, उनके माध्यम से प्लान देखा, इतने शानदार प्रोडक्ट, बेस्ट प्लेटफॉर्म, दमदार हमारे अपलाइन लीडर्स,
जिनकी बदौलत आज इस लेवल पे पहुंच पाया हूं, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले लगभग 8 साल मैं आर्मी के अंदर एक कैंटीन चला रहा था। 8 साल लाइफ के देने के बाद में भी वहां जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन 4.5 साल पहले जब महिपाल गुरु जी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो सर ने एक बिलीव दिलाया था कि 8 साल आपने वहां दिए, यहाँ मात्र 4 साल दे दोगे तो 4 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 4 साल में लाइफ बदलती है। और यहाँ पर आने का मौका मिला। जब मैं इस बिजनेस में आया था, डायरेक्ट सेलिंग में आया था, उससे पहले मैं एक स्कूटर चला रहा था, सेकेंड हैंड स्कूटर हुआ करता था मेरे पास में। लेकिन आज मात्र 3 साल के अंदर इस बिजनेस में एक अच्छे प्रोडक्ट, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की बदौलत, एक अच्छे अपलाइन की गाइडलाइन की बदौलत आज ओडी A6 मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो ये सब कुछ संभव हुआ है तो हमारे महागुरु जी शिव कुमार सर की बदौलत, महिपाल गुरु जी की बदौलत, जिनकी गाइडलाइन की और जिनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो संदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इतने सारे लग्जरी कार अच्यूवर को अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे किसी को आपने दिखा दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी आपको ज्वाइन करने के लिए मना करेगा और इस डायरेक्ट सेलिंग के प्रति पॉजिटिव नहीं होगा। दोस्तों इसी श्रेणी में आपसे मैं एक और लग्जरी कार अच्यूवर से मिलाता हूँ, उनके पास भी जैगुआर है, मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी। गुरुजी सबसे पहले सभी मेंटर्स को, सभी अप्लायंस को मैं दिल से बहुत बहुत नमन करता हूँ। मिस्टर रमेश सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, संजीव सर, अंकुरी सर, मैं दिल से सभी मेंटर्स को नमन करता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेंटर्स की वजह से है। और मैं सभी टीम्स को जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे जो भी अचीवमेंट ले पाया उनको धन्यवाद करता हूँ। सभी व्यूवर्स जितने भी ऑल ओवर इंडिया से जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं पहले आर्मी में जॉब करता था और इस इंडस्ट्री को मैंने आज लगभग 2012 से मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग को। 2016 में मैंने असली पेस वैलेंस को शुरुआत किया था, जून 2016 मैंने असली पेस वैलेंस को शुरुआत किया था। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे प्लान मिस्टर महिपाल सर के माध्यम से देखने का मौका मिला। महिपाल गुरु जी ने जब मुझे प्लान दिखाया तो मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, केवल महिपाल सर का चेहरा समझ में आया कि अगर सर मुझे प्लान दे रहे हैं यानी कुछ ना कुछ खास बात है। मैंने आंख बंद करके गुरु जी के ऊपर भरोसा किया और वही भरोसा, वही विश्वास आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बीच में आई थी जब मैंने गवर्नमेंट जॉब, 10 साल की गवर्नमेंट जॉब को जब मैंने ड्रॉप किया था तो पूरे परिवार, पूरी फैमिली, पूरा समाज, यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने यहाँ तक ये बोल दिया था कि या तो फैमिली चाहिए तो जॉब करना पड़ेगा और बिजनेस करना है तो आपको फैमिली छोड़ना पड़ेगा। वो मेरे लिए बहुत कठिन पल था। बट मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ में जब कोई भी बुरे पल आते हैं तो एक मेंटर हमेशा रखना जरूरी है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे जितने भी मेंटर्स थे, अमित सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, संजीव सर, अनिल सर ने मुझे उस वक्त संभाला और मुझे गाइडलाइन दिया कि सर आप जो अभी हैं उसका फ्यूचर देखे और जो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर देखे चूज करिए। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया। आज असली पेस बैलेंस में 3.5 साल में मैं 11 महीने में होंडे की वरना ले लिया था टॉप मॉडल। आज मैं जगवार मेंटेन करता हूँ। आज लगभग 2 करोड़ से लगभग ज्यादा अचीवमेंट मैंने किया है। और विद इन ये कमिटमेंट है आप सभी से, महिपाल सर और सभी मेंटर्स के आशीर्वाद से कि 15 अगस्त को मैं ब्लू डायमंड से आजाद हो जाऊंगा और मैं ब्लैक डायमंड बनके आपके बीच में आ जाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और इसी श्रेणी में आगे मैं आपसे मिलाता हूं हमारे एक और ब्लू डायमंड मिस्टर सत्य प्रकाश जी, दिल्ली से रहने वाले हैं। सत्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरुदेव और सभी गुरुजनों को नमस्कार। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने मौका दिया गुरु जी आप बोलने के लिए। दोस्तों मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूं और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में मेरी जॉब लगी थी सन 2007 में और मैंने लगभग 14 साल सरकारी नौकरी किया है। 14 साल सरकारी नौकरी के साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए MLM ज्वाइन किया था। जब मुझे समझाया गया था, मुझे बताया गया था कि MLM की पावर क्या होती है, ताकत क्या होती है। वैसे मैं ट्यूशन पढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था लेकिन MLM की ताकत समझ में आई और मैंने एक कंपनी में लगभग 6 साल दिए और 6 साल काम करने के बाद भी जब मेरी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया तब मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसका फोन आता है वो कोई और नहीं, ग्रेट गुरुदेव मिस्टर अनुज शर्मा जी का फोन आता है और उन्होंने मुझे हेड ऑफिस बुलाया और महागुरु महिपाल सर से मिलवा दिया। जब इतनी बड़ी हस्तियों से जब मुलाकात हो गई और इनकी अचीवमेंट मैंने देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन देखने के बाद भरोसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है। और दोस्तों वो भरोसा हुआ
और कुछ प्रोडक्ट मैंने घर में इस्तेमाल किया, रिजल्ट अल्टीमेट आया। अल्टीमेट रिजल्ट आने के बाद भरोसा और मजबूत हुआ और मैंने काम करना स्टार्ट किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। 3.5 साल के कैरियर में असली पीएस में मैंने पार्ट टाइम काम किया था, जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम मैंने इसको किया, लेकिन दोस्तों पार्ट टाइम भी फुल टाइम की तरह किया क्योंकि मैंने 6-6 घंटा 8-8 घंटे काम किया। और दोस्तों और इस काम को करते करते आज 3.5 साल में मैं ब्लू डायमंड का लेवल मैंने अचीव कर लिया पिछले 2 महीने पहले, और मैंने करीब 1,10,00,000 रुपए कमा लिया। इस बिजनेस से मैंने लैपटॉप बाइक और कार भी अचीव किया। और दोस्तों मैंने यहाँ से अभी मर्सिडीज सी क्लास बुक हो चुकी है, बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है लग्जरी कार। और इसके साथ साथ दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से ढेर सारी विदेश यात्राएं की हैं। ये सब कुछ हो पा रहा है तो सभी गुरुजनों की गाइडलाइन की वजह से, कंपनी निर्माता मिस्टर संजीव कुमार जी जिनकी वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल ली है। दोस्तों मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा इतने ग्रेट प्लेटफॉर्म देने के लिए और मेरी जिंदगी बदलने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो सत्य प्रकाश जी आपको। और दोस्तों ये सारे लोग जिनसे आप मिल रहे थे हमारी कंपनी के ब्लू डायमंड थे, यानी कि ब्लू डायमंड यानी करोड़पति क्लब में थे, और जो लोग 1 करोड़ से ज्यादा की टेस्टिमनी कर चुके हैं वो आपके सामने थे। दोस्तों इसी के साथ मैं अभी फेसबुक पे बैठे बैठे एक मेरे पास मैसेज आया किसी का कि सर जो लोग करोड़पति बन जाते हैं डायमंड बन जाते हैं आप उनके साथ बैठ के फेसबुक पे महोत्सव करते हैं मीटिंग करते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम भी आपके साथ बैठ के मीटिंग कर सकें? तो दोस्तों अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक नई घोषणा कर रहा हूं। हमारे ब्लैक डायमंड रॉयल डायमंड और क्राउन डायमंड से बात करके अभी थोड़ी देर में रिक्तम थी कि कोई भी आदमी हम लोगों के साथ में बैठ के, यानी पर्सनली मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ बैठ के और अगले 15 से 20 दिन के बाद हम एक बहुत बड़ा महोत्सव करने जा रहे हैं, लेकिन उस महोत्सव का क्राइटेरिया कोई भी रैंक नहीं रहेगा, लेवल नहीं रहेगा, वो उसमें हम 100 कार अचीवर्स को रखेंगे और सिर्फ उन्हीं कार अचीवर्स को रखेंगे जिसकी गाड़ी का नंबर 8990 होगा, यानी निवासी 90 जिसकी गाड़ी का नंबर होगा वही हमारे साथ पैनल पे होगा। आपसे फ्रेशर हैं लेकिन अगर आपकी गाड़ी का नंबर निवासी नंबर है तो आप मेरे साथ बैठ के सबके सामने आप इस मीटिंग को 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद करने जा रहे हैं, आपको मैं ये एडवांस में सूचना दे देता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ कुछ नए स्टार सप्लायर बनने हैं उनको भी हम मिलकर बधाई देते हैं, मैं नाम लेता हूं, आप उनको कंग्रेचुलेशन बोलिएगा। दिल्ली से बहुत जबरदस्त लीडर है मिस्टर कुमार मिंगलम जी जिन्होंने बहुत कम टाइम में स्टार सप्लायर रैंक को अचीव किया है, मिस्टर विनय कुमार जी, मिस्टर राजेश प्रसाद जी वाराणसी से, मिस्टर विनय सिंह जी हैं जिन्होंने स्टार सप्लायर बने हैं। उसके बाद जयपुर से एक बहुत दमदार लीडर है मिस्टर कृष्ण चौधरी जी, चौधरी साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों इसी श्रेणी में मैं आगे आपको मिलाता हूँ हमारे न्यू ब्लैक डायमंड से, यानी ब्लैक डायमंड की टेस्टिमनी बताने की मुझे जरूरत नहीं है, उनकी बहुत अच्छी टेस्टिमनी होती है, बहुत बड़ा लेवल होता है और उसी श्रेणी में मैं बताता हूँ। और लेकिन मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि कोई भी आदमी जो मेरे इस पैनल पे है और जो सुन रहे हैं मुझे, आप ज्वाइनिंग के लिए मुझे कॉल ना करें। देखिए अभी भी मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, आप जो भी बंदा जहां से है आप उन्हीं को कॉल करें क्योंकि फेसबुक पेज पे मेरा नंबर डला हुआ है, इसलिए लोग मुझे, मैं नंबर साइलेंट कर रखा है लेकिन फिर भी कॉल कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे फोन ना करें क्योंकि मैं ताकि भी आपको अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आपके जिस भी शहर के लोगों ने अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में डाले हुए हैं आप उनके साथ कॉन्टेक्ट में करें, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे और आपको आगे बढ़ने में, पूरी कामयाबी दिलाने में आपका भरपूर साथ देंगे। दोस्तों मैं आपको ब्लैक डायमंड में मिलाता हूँ एक ऐसे आदमी से जिनको मिलने के बाद आपको लगेगा कि जब वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, और हमारे बहुत ही जवान से ब्लैक डायमंड मिस्टर मदन लाल जी फ्रॉम जयपुर जम्मू। मदन साहब। गुरु जी नमस्कार, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे असलीपियस महोत्सव के बीच में 2 शब्द बोलने का मौका दिया, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने महागुरु मिस्टर मेहिपाल सर का, मिस्टर शिव कुमार सर का, नसीब खान जी का, संदीप जी का, हिमंत सिंह भट्टी जी का और अनु शर्मा जी का, अमित दुबे जी का, इनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज जो फेसबुक के माध्यम से लाइव पे जो इतना बड़ा परिवार बात सुन रहा है इनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं, नाम मेरा मदन लाल, फ्रॉम जम्मू तहसील अखनूर का रहने वाला हूँ। आज से ठीक 4 साल पहले मैंने
इस असलीपियस बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में आने का डिसीजन लिया था, और इसमें लाने वाले मेरे महागुरु, आप सबके महागुरु मिस्टर मेहिपाल सर, क्योंकि जब मैं नया नया आर्मी से रिटायर्ड आया था मुझे कुछ भी पता नहीं था मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, लेकिन इन्होंने मुझे विश्वास दिलवाया, क्योंकि जब मैं आया था तो उस टाइम मतलब बच्चे छोटे छोटे थे, बड़ी क्लासों में पहुंच चुके थे और पैसे की ज़्यादा जरूरत थी और सैलरी कम हो गई थी, तो इन्होंने मेरे को बताया कि क्या करना चाहते हो साहब अभी, तो मैंने सोचा कि मैं टेंट हाउस खोलने वाला था, एक हार्डवेयर की दुकान खोलने वाला था, तो इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी गाइडलाइन दी कि साहब आप जितना पैसा लेके आए हो इसको सेव करो, बैंक में रखो, आपको मुफ्त का बिजनेस देता हूँ मैं, आप इसमें बिल्कुल भी आपने चुमानी नहीं लगानी है, और इसमें मतलब आप बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हो, जहाँ से करोड़पति बन सकते हो, अपनी एक बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ बना सकते हो। तो सर का मैंने मतलब कि विश्वास किया, क्योंकि फौजी इंसान थे, मैं भी फौजी इंसान था, तो इनके पर बहुत बड़ा बिलीव हुआ मुझे कि अगर सर बोल रहे तो वाकई सही बात होगी। तो दोस्त आज से 4 साल पहले मुझे इस असलीपिस में काम करने का मौका मिला और मैं काम करता गया, बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि हर इंसान को दिक्कतें आती हैं दोस्त, आप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी दिक्कतें आ रही होंगी, मार्केट के बीच में बहुत सारे लोग नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं, उनको समान रूप से झेलना पड़ता है। तो दोस्त हम भी झेलते गए, जहां भी दिक्कत आई अपने मेंटर्स मिस्टर मेहिपाल सर, शिव कुमार सर को पूछते गए, उनकी गाइडलाइन लेते लेते, और आज पता नहीं चला 4 साल के बीच में मतलब ब्लैक डायमंड तो बने, अभी बहुत कम समय के बीच में रॉयल डायमंड असलीपियस बैलेंस के बीच में बनने कर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, अगर इसमें कोई योगदान है तो मेरे सीनियर्स मेंटर्स का और मेरी प्यारी सी टीम का, अगर मेरे साथ इतनी प्यारी सी टीम ना होती तो मैं आज बहुत बहुत बधाई हो साहब आपको, बहुत बहुत बधाई हो हमारी पूरी असलीपियस वेलनेस की फैमिली की। थैंक यू गुरुजी सो मच। और दोस्तों जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे बाद में सुनेंगे, उन सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको साथ में जितने भी पैनल पे लीडर्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे लीडर्स नहीं है, ये ओरिजिनल लीडर्स हैं। बहुत सारी कंपनियों में लीडर्स होते हैं लेकिन बाद में भी वो बाइक और मोटरसाइकिल पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स लीडर्स नहीं होते, वो बाइक मोटरसाइकिल नहीं, सिर्फ लग्जरी कार वाले लीडर्स ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं दिखाते नहीं, रियल है। और अभी भी कोई अगर ऐसा लीडर है जिसके सर पे ताज तो लीडर का है लेकिन लीडर है नहीं, तो असलीपियस वेलनेस उसका स्वागत करती है, और आइए और आपके बचे हुए सपने आप जरूर पूरे कीजिएगा। इसी श्रेणी में मैं आगे आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत जबरदस्त लीडर, ब्लैक डायमंड मिस्टर अवधेश नारायण जी से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी असलीपियस महोत्सव में मुझे बोलने का समय देने के लिए। दोस्तों नाम अवधेश नारायण है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, और अगर मैं अपनी बात करूं तो 2007 से लेकर 2013 तक मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं। 5-6 साल कड़ी मेहनत करने के बाद जब इस इंडस्ट्री में मेरे सपने पूरे नहीं हुए, उल्टा कर्ज जब हुआ, तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा और 3 साल मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में काम किया। कहा जाता है किसी भी इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो उसमें मन लग जाता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति काम कर ले तो उसका कहीं और मन नहीं लगता। इसी का नतीजा रहा कि फेसबुक के थ्रू जहां पे अभी आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, ठीक इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म पे फेसबुक के थ्रू हमारी बात महिपाल गुरुजी से हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी का कि जिन्होंने मेरे एक मैसेज का जवाब दिया, और उस मैसेज का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे ब्लैक डायमंड हूँ। मेरी मुलाकात शिव कुमार सर और अमित दुबे सर से हुई, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया सिखाया, और आज मैं अगर कहूँ कि मैंने अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है या मेरी सोच अगर इतनी बड़ी बनी है तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो शिव कुमार सर और अमित दुबे सर का है, क्योंकि एसलीपीएस वेलनेस के ऊपर मैं विश्वास अगर किसी ने दिया कि किया जा सकता है तो यही दो शख्स हैं। अगर मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया इस बिजनेस के अंदर में, जहां 5 से 6 साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हो पाई थी, आज कुछ ही समय के अंदर इस बिजनेस से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट हुई। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत करते ही मात्र 11 महीने के अंदर मेरे पास चलने के लिए होंडा WRV कार थी, और उस कार को अभी 12 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, आज ऑडी A6 में मेंटेन कर रहा हूं। इस जिंदगी में देखे सारे सपने स्लीपलेस वेलनेस के माध्यम से आज लगातार पूरे होते जा रहे हैं, और मैं पुनः अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद देते हुए और अपनी प्यारी टीम का धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत
बधाई हो आपको। और दोस्तों मैं आपसे अभी एक बहुत ही जबरदस्त लीडर से मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत जल्दी आपसे रॉयल डायमंड बनके आपसे मिलने वाले हैं। रॉयल डायमंड के रूप में आप मिलेंगे, वो तो बीच बीच में अपने अचीवमेंट्स की वजह से आप लोगों के बीच में फेसबुक के ऊपर चर्चाओं में रहते हैं। मैं चाहता हूँ वो अपनी सक्सेस, अपने अचीवमेंट अपनी जबान से बताएं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। हम सारे लोग मिलकर कॉल करते हैं हमारे यंगेस्ट अपकमिंग रॉयल डायमंड मिस्टर अनुज शर्मा जी को। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया गुरुजी। सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को ईद की और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई हैं और आज का दिन मेंटर्स लोगों को सुनने का है, मैं भी पैनल पे ऐड हूँ शिव कुमार सर और महिपाल गुरुजी को सुनने के लिए आया हूँ। आपने बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पर अभी सुना है, सबकी जर्नी सेम सी रहती है क्योंकि ज्यादातर हम सभी लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, तो हम सबकी जर्नी सेम है। तो मैं अपने ज्यादा बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। सितंबर 2016 में मैंने एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखा, प्लान दिखाया मुझे महिपाल गुरुजी ने। प्लान देखने के बाद मैंने इस बिजनेस को 12,000 रुपए कर्ज पे लेके ज्वाइन किया था। मेरे पास 10.5 लाख रुपए का कर्ज था और मैंने काम करना स्टार्ट किया और काम करते करते आज लगभग 2.25 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क मेरे साथ बन चुका है। आज टीम के अंदर बहुत सारे अचीवर्स आ चुके हैं। आज 10 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी आज नेटवर्क में आ चुकी हैं और हर महीने 1-2 गाड़ी नेटवर्क में आ रही हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे पास लावा का मोबाइल हुआ करता था और आज एसलीपीएस की वजह से गुरु लोगों के आशीर्वाद से हिंदुस्तान का जो सबसे महंगा मोबाइल है आज मैं वो मुझे वो यूज करने का मौका मिला है। एसलीपीएस वेलनेस से पहले मैं पैदल चल के प्लान देखने के लिए गया था, लेकिन आज जैसा गुरुजी बता रहे थे आज मेरे पास 4 गाड़ियां हैं और 4 में 3 नवासी 90 हैं। ये सबसे बड़ी बात है, मतलब ये नहीं कि गाड़ियां 4 हैं, मतलब ये है कि 3 नवासी 90 हैं और लास्ट का रिकॉर्ड यही रहेगा कि 89-90 की मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ और ये हमारा सौभाग्य है। और ये ऐसा पता नहीं इस नंबर में है क्या, मैं तो एक ही बात जानता हूँ इस नंबर में ऐसी खासियत है कोई आदमी एक ले ले दूसरी ऑटोमेटिक उसके साथ फ्री आ जाती है और ये पक्का तय हो चुका है। तो मेरे साथ 3 आ चुकी है 89-90 और भी आने वाली है, गुरु लोगों का आशीर्वाद है। 2 साल में इस कंपनी में 4.5 करोड़ रुपए का अचीवमेंट ले चुका हूँ। जैसा गुरु जी ने बताया बिकमिंग रॉयल डायमंड में यहाँ पर होने वाला हूँ। सभी का साथ सभी का प्यार मुझे बहुत ज्यादा मिला है, शिव कुमार गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, अमित दुबे जी सर का साथ हमें मिला है, नसीब सर का साथ मिला है, मदन साहब का साथ मिला है, संदीप सर का साथ, सभी डायमंड का साथ है और एसलीपीएस वेलनेस के हर डिस्ट्रीब्यूटर का साथ मिला है, चाहे वो आज फ्रेशर है, चाहे वो आज ब्रॉन्ज है, चाहे वो कोई भी लेवल है, हर सभी का साथ है। कंपनी एमडी सर संजीव सर का साथ है, अनिल कुरी सर टॉप लीडर का साथ हमें हमेशा मिला है। दोस्त यहाँ तक पहुंचने के पीछे सिर्फ मेरे पास एक ही पावर काम करी है, जिस पावर का नाम है पेशेंस। मैंने पेशेंस रख के काम किया, कई बार मेरे साथ में बिजनेस ऐसा हुआ स्टार्टिंग में मेरे चेक 12,000 रुपए के बने और फिर मेरा वीकली चेक 500 रुपए का भी यहाँ पर बना है, लेकिन जब 500 रुपए का चेक बना तब भी मैंने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा और मैं इस बिजनेस को छोड़ देता तो आज मेरे पास घर नहीं होते, आज मेरे पास गाड़ियां नहीं होती, आज मैं नवंबर 2018 से जो लगातार कैंपिंग पे हूँ लगातार कैंपिंग पे नहीं होता। इस सबका सिर्फ पेशेंस को जाता है, मैंने धैर्य करके मैं इस काम में लगा रहा। जब भी मेरा इस बिजनेस को छोड़ने का मन किया बस मैंने एक ही बात सोची, छोड़ने के बाद मुझे मिलेगा क्या और करने के बाद मुझे मिलेगा क्या। और किसी भी मेरे भाई बहन को ये डाउट होता है कि छोड़ने से और करने से क्या मिलता है, कोई डायरी पेन लेके बैठे, एक पेज पर लिखे छोड़ने के फायदे, एक पेज पर लिखे करने के फायदे, जिसके ज्यादा फायदे लगे वो काम आदमी को कर लेना चाहिए। शुक्रिया गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और दोस्तों मैं आपसे अभी मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे जबरदस्त लीडर को जिन्होंने अभी बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है बहुत ही कम टाइम के अंदर। कंपनी के अंदर फास्टेस्ट अचीवर है और कंपनी की सेकेंड सबसे बड़ी रैंक उन्होंने अचीव की है। तो ज्यादा देर ना गवाते हुए आप समझ गए होंगे कि मैं किसको कॉल करने वाला हूँ, फिर भी मैं कॉल कर लेता हूँ हमारे जानदार दमदार और बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम डायमंड लीडर मिस्टर रॉयल डायमंड लीडर मिस्टर अमित कुमार दुबे जी को। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म और आज हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट सेमिनार ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अचीवर महोत्सव में मुझे मौका दिया लोगों से बातचीत करने का। और दोस्तों इतने बड़े पैनल में जहां पे 20-20 करोड़पति क्लब बैठी हुई हो, जहां पे
ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग देयर द लग्जरियस कार, ऐसे पैनल में बैठने के बाद बात करने का बोलते हैं कि मजा ही कुछ और होता है। दोस्तों नाम अमित दुबे और ये नाम आज इसलिए बन पाया है क्योंकि आज से लगभग 4 साल पहले एसलीपीएस वेलनेस में काम करने का मैं डिसीजन बना पाया था। शायद अगर ये डिसीजन नहीं बना पाता तो इतना बड़ा नाम नहीं हो पाता जो नाम आज एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से मिला है, जिस कारण आज हिंदुस्तान में हर कोई हर इंसान इस नाम को जानता है। तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है मैं देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर को, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महिपाल सर को एंड द कंपनी सीईओ मिस्टर संजीव सर को एंड आवर आइडियल मिस्टर अनिल कुरी सर को, जिनकी ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। दोस्तों आज से जब 4 साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी तो कुछ भी ऐसा नहीं था, बस एक सोच थी, एक विश्वास था और साथ था जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं उनका साथ था। एंड वी हैव डेवलप्ड द बिलीव इन आवर हार्ट इन आवर माइंड, और उस विश्वास का नतीजा था, उस बिलीव का नतीजा था कि आज 4 साल के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग हो पाई है। आज मैं कंपनी का रॉयल डायमंड बन के आपके सामने मौजूद हूँ। जब ये लॉकडाउन की पीरियड की शुरुआत हुई थी तो सारे लोग बिल्कुल हड़कंप में मचे हुए थे, हम लोग भी कई बार सोचे थे, लेकिन ये नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री की ताकत है, एसलीपीएस वेलनेस की ताकत है कि दोस्तों ये पूरे लॉकडाउन पीरियड में लगभग 85 लाख रुपए की इनकम निकल के आई हुई है और ये मुझे लगता है कि इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट एज ए अचीवर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम को, हमारे मेंटर्स को, हमारे डायमंड क्लब को। दोस्तों ये एक छोटी सी अचीवमेंट है क्योंकि जब मैं अपनी टीम के अचीवमेंट को देखता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट वो लगता है कि आज पूरे लॉकडाउन के अंदर अपनी टीम में लगभग 4 डायमंड क्लब बनी है, लगभग 3 ब्लू डायमंड क्लब बनी है और ब्लैक डायमंड क्लब भी होने वाला है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जहाँ पे अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ इस सोच के साथ शुरुआत किया था। आज पूरी टीम में 10 करोड़पति क्लब बन चुकी है, ये अपने लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट आती है। दोस्तों ये सब हुआ क्यों? ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरुआत से ही इस इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली लिया था। आई हैव नेवर थॉट द एनी निगेटिव माइंड और एनी स्मॉल थिंग्स स्मॉल थॉट्स इन माय माइंड फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड आवरसेल्फ इन दिस लेवल। कभी हमारे अंदर ये सोच नहीं आई थी कि यहाँ से कुछ छोटा होगा या करके चले जाएंगे। जो बड़ी सोच हमने शुरुआत समय से बना कर रखा हुआ था उसी का नतीजा था कि आज हिंदुस्तान के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, हम सारे लोग जितने भी पैनल्स पे यहाँ पे बैठे हुए, हम सारे लोग मिलके पूरे हिंदुस्तान को वन ऑफ द नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक पावरफुल टीम बना के दे पाए हैं। और ये एक कम्बिनेशन है हमारी, ये हमारी सोच का नतीजा है, जो हमारे मेंटोर हैं उनकी बातों को समझने का नतीजा है। दूसरा चीज जो हमने लगातार किया कि सीखने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मुझे पता है कि अगर कैरियर अपनी बनानी है तो खुद के कंधे पर ही बंदूक रखना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, उन सारे सिचुएशन को, उन सारे कंडीशन को हमें साइड रख के उस कंडीशन और सिचुएशन से हम कैसे ऊपर आ सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि आप जान सकते हैं या आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में सारे लोग हतोत्साहित हो चुके थे, बट हम लोगों ने मिलकर एक ऐसी प्लानिंग बनाई थी। और दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो सेमिनार हुआ, ऑलमोस्ट वी हैव रीच अबाउट द 1.5 लाख पीपल्स अभी तक हमें देख चुके हैं, हमें व्यूज कर चुके हैं। करेंटली पिछले 2 घंटे से लगातार 6,000-7,000 लोग हमें वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो दोस्तों मौका है हमारे पास, जिंदगी में बदलाव आपकी भी आ सकती है अगर आपने इस टीम का हिस्सा बनने का अपने लाइफ में डिसीजन लिया, डिसीजन बनाया। एंड वंस अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आगे की जो आज कुछ गाइडेंस है जो हमारे गुरु लोग बैठे हुए हैं, मिस्टर शिव कुमार सर और ऑफ कोर्स हमारे महिपाल सर, गुरुजी लोगों के माध्यम से मैं कुछ और सीखने का मौका मिले, मैं भी यहाँ पे सीखने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस सच टाइप ऑफ लाइफ, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन दुबे सर, आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी से जल्दी पूरे हिंदुस्तान के सामने क्राउन डायमंड बन के आए। दोस्तों इसी श्रेणी में आगे चलते हैं और अब एक जिस शख्स नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं और उनको अगर सुन लिया तो आप सोचो कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उनसे मिलना, उनसे सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। और वो हमारी कंपनी के क्राउन डायमंड है
और हम लोग बिना देरी करते हुए उनको सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम अवर क्राउन डायमंड मिस्टर शिव कुमार सर। थैंक यू सो मच गुरुदेव। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा, उसके बाद हमारे आइडियल पर्सनालिटी, अगर आज शिव कुमार अगर आज फ्रेशर से अगर क्राउन डायमंड बना है, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का रोल है, अगर मैं गुरु की बात करूं या मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, तो अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो पर्सनालिटी कोई और नहीं, हमारे बीच मौजूद है कंपनी फर्स्ट क्राउन डायमंड मिस्टर महिपाल सर जी। और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शिव कुमार यहां पर नहीं होता। उसके बाद मैं कंपनी टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी जी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि सर की ट्रेनिंग के बदौलत आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं कंपनी एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हमने सुना था कि 3 साल में सपने पूरे होते हैं, लेकिन 7.5 साल काम करने के बाद सपने तो छोड़िए, एक बाइक के सपने भी पूरे नहीं हो पाते थे, जो कि हमने देखा था। अगर आज इतने खूबसूरत इंडस्ट्रीज को अगर किसी ने बनाया, तो उसके पीछे जो सोच था, जो विजन था, वो हमारे कंपनी एमडी साहब का था। तो मैं आवर कंपनी एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो कि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हम सभी को दिए। डियर फाइटर्स, मैं बताना चाहूंगा, आज से 12 साल पहले हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कदम रखा, और जिस दिन हमने इस इंडस्ट्रीज में कदम रखा था, उसी दिन सोचा था कि बहुत बड़ा कुछ करना है, लेकिन लगातार 8 साल स्ट्रगल करने के बावजूद सपने पूरे नहीं हुए, क्योंकि प्लेटफॉर्म में दम नहीं था, प्लेटफॉर्म में ताकत नहीं था। लगातार एफर्ट लगाने के बावजूद, लगातार सिस्टम को फॉलो करने के बावजूद भी सपने पूरे नहीं हो पाए। और एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आज से 4 साल पहले महागुरु जी महिपाल सर के माध्यम से मुझे प्लान दोबारा देखने का मौका मिला। और इससे पहले भी मैं बताना चाहूंगा, आज 12 साल से मैं महिपाल सर के साथ ही हूं, लेकिन महिपाल सर नवंबर 2015 में एसलीपीएस में आ गए थे, और मुझे एसलीपीएस देखने का मौका मिला जून 2016 में। मैं 7 महीने बाद मैं एसलीपीएस को देखने का मौका मिला, और सर से मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि जब हमने डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया था, तो कभी हम बाइक के ऊपर जब बिजनेस करते थे, तो सर के जो ड्रीम होते थे, जो सपने होते थे, उस समय बताते थे, मैं आज आपको शेयर करना चाहूंगा। सर बोलते थे, शिव कुमार जी एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सभी लोग ऑडी में, मर्सिडीज में, जगुआर में जाएंगे और मीटिंगें करेंगे। आज बाइक के ऊपर है, आज स्विफ्ट डिजायर के ऊपर है, और एक दिन ऐसा कारवा लाएंगे कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज लाइन लगेगी। तो सर का जो ड्रीम था, सर का जो विजन था, रियल में पहले दिन से बहुत बड़ा था, जो कि हमें काम करने के लिए प्रेरित करता था, हमें मोटिवेट करता था। लेकिन डियर फ्रेंड, हमें प्लेटफॉर्म मिला आज से 4 साल पहले, और 4 साल पहले जब प्लेटफॉर्म मिला, तो एसलीपीएस प्लेटफॉर्म मिला, तो रियल ऐसा बोला जाता है, किसी भी इंसान को सक्सेस होने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म और राइट डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और वो प्लेटफॉर्म हमें एसलीपीएस के रूप में मिला, और जो भी सिस्टम ने बताया उसको हम लोगों ने फॉलो किया। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है, अगर लाइफ में अगर आपको टॉपर बनना है, विनर बनना है, तो अपने आप को एक राइट प्लेटफॉर्म पर आप अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो, क्योंकि डियर फ्रेंड एसलीपीएस वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं 4 साल पहले अपने सफर का शुरुआत किया था, और आज 4 साल में आज 8.5 करोड़ का इनकम है। आज 4 साल में अगर देखा जाए, अगर पर मंथ की अगर बात किया जाए, तो आज 30 लाख के ऊपर महीने का इनकम है। अगर ऐसा हो पाया है तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से और हमारे गुरु लोगों की डायरेक्शन की वजह से। अगर शिव कुमार अगर पर मंथ का 30 लाख ले सकता है, अगर शिव कुमार 8.5 करोड़ का अचीवमेंट ले सकता है, तो हर एसोसिएट यहां तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात यह नहीं है
कि अचीवमेंट मेरे पास है। आज अचीवरों की लाइन लगी पड़ी है, आप देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ डिसीजन लिया, मिस्टर अमित दुबे जी आज कंपनी के रॉयल डायमंड है, मिस्टर अनुज शर्मा जी अपकमिंग रॉयल डायमंड है, मिस्टर नसीब खान जी, मिस्टर मदन लाल जी, मिस्टर अवधेश नारायण जी, और आप इस पैनल पर देख सकते हैं आज करोड़पतियों की लाइन लग चुकी है। तो इससे प्रूफ होता है कि आज जहां पर लॉकडाउन के अंदर सारी दुनिया का बिजनेस क्रैश हो रहा है, लॉकडाउन के अंदर आप देखिए कि लोगों को मैं देखता हूं तो अच्छे अच्छे लोग आज 2-4-5 हजार रुपये की डिमांड करते हैं कि सर आप हमें दे दीजिए। उस स्थिति में आज एसलीपीएस के अंदर करोड़पतियों की लाइन लगती जा रही है, डायमंड क्लब की लाइन लगती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर एसलीपीएस प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर भरोसा करता है, विश्वास करता है और जैसा बताया जाता है केवल चलते भी जाता है, तो दोस्तों मैं दावा देता हूं कि 5 साल के अंदर खानदान का बच्चा भी पैदा होगा तो करोड़पति का स्टैंप लगा पैदा होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन करना क्या है, सबसे बड़ी चीजों को आप समझिए कि यहां जितने भी हमारे एसोसिएट सुन रहे हैं, जितने भी एसलीपीएस फैमिली हमें सुन रहे हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, अगले 5 साल के लिए आप इस बिजनेस को अपने आप को समर्पित कर दो। आपका अपलाइन जो भी बोलता है, मेरा सक्सेस का सबसे बड़ा राज, आज मैं दुनिया के लिए मैं क्राउन डायमंड हूं। आज दुनिया, आज 12 साल की बात किया जाए तो 12 साल के अंदर हमने 12 दिन भी डायरेक्ट सेलिंग के अलावा नहीं दिया है। लेकिन अपलाइन की अगर बात आती है तो मेरे गुरुजी यहां पर बैठे हुए हैं, अगर गुरुजी के अगर मैसेज आ जाता है रात को 2 बजे तो भी हम चारपाई छोड़ के गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। आपको अगर सक्सेस होना है, अगर आपको टॉपर बनना है, तो आप अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको सक्सेस होने में नहीं रोक सकता एसलीपीएस जैसे प्लेटफॉर्म पर। दूसरी चीज कि आप अपने आप को अगले 5 साल के लिए झोंक दो डियर फ्रेंड। अगर आज शिव कुमार यहां पर पहुंचा है, अमित दुबे जी पहुंचे, अनुज शर्मा जी पहुंचे, तो इसका रीजन एक ही है, हमने लाखों लोगों को बताया कि तुम इस काम को करो, तुम आगे जाओगे, हम दिन रात तुम्हारे साथ खड़े हैं और खड़े रहते हैं। आज इतने बड़े लेवल पर भी अपने डेप्थ के डाउनलाइन के साथ भी हम लोग खड़े मिलते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, और लोगों ने भरोसा नहीं किया, इन लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया, इन लोगों ने अपना कैरियर एसलीपीएस को बनाया। चाहे जो भी इस पैनल पर आज 22-23 आपके करोड़पति लीडर आज दिखाई दिए, इन लोगों ने भरोसा किया और अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। तो एक मैसेज मैं देना चाहता हूं, आप अगले 5 साल आप एसलीपीएस को दे दो। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि चाहे आपका ऑडी का सपना हो, मर्सिडीज का सपना हो, BMW का सपना हो, या करोड़पति बनने का सपना है, 100% नहीं डियर फ्रेंड्स, 200% पूरा होगा। हम जान लगा देंगे, हमारी कोर टीम आपके सक्सेस के लिए जान लगा देगी। मैं 100% दावे के साथ कमिटमेंट करता हूं। तो डियर फ्रेंड, 4-5 साल इस सिस्टम को अपना सब कुछ समर्पित कर दो, सिस्टम आपको वो चीज देगी जो कि आपका सपना होगा। और डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये काम करना है, जितने भी एसलीपीएस फाइटर है, आप सिस्टमेटिक काम को करो, जो हमारा सिस्टम बोलता है उस चीजों को आप फॉलो करो और अपने तरीके को ना फॉलो करें। क्योंकि अगर आपको 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अगर आपको सपने को पूरा करना है तो आपको सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक रसगुल्ला बेचता है ठेले वाला, तो ठेले वाला रसगुल्ला बेचता है, बहुत अच्छा रसगुल्ला बेचता है, तो डेली 2000 सेल करता है, और बीकानेर वाला सिस्टम के मुताबिक सेल करता है तो वो करोड़ों का सेल करता है। डियर फ्रेंड्स, बड़ा आदमी बनना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बोलता है, हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम जो बोलता है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, उस मुताबिक चलते हैं, तो 5 साल नहीं, आपके सपने 3 साल में पूरा होंगे। दुनिया का कोई ताकत आपके सपने को पूरा होने में रोक नहीं सकता। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास समय बहुत कम है, मैं आपको मैसेज दिया हूं और मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूं। हमारा सपना था डायरेक्ट सेलिंग में, कि डायरेक्ट सेलिंग में एक इतिहास बनाएंगे, एक अपनी दुनिया बनाएंगे, और हम अपने लीडरों को भी मैसेज देना चाहते हैं
कि आप एक ऐसे लीडर बनो, एक इतने बड़े विजनरी लीडर बनो कि अगर आपसे अगर कोई मिले और सुसाइड करने वाला आदमी जो सुसाइड करने जा रहा हो और अगर आपसे मिले तो अगले घंटे ये सपना देखे कि मुझे अगले साल मर्सिडीज में आना है। यू आर डायरेक्ट सेलर, यू आर लीडर। तो हमारे लीडरों का सपना बहुत बड़ा है, हमारे लीडरों की सोच बहुत बड़ी है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं एसली पीएस के अलावा या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में, मैं आपको आग्रह करूंगा कि अगर आप 5 साल 7 साल 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आने के बाद अगर आप सपने पूरे नहीं किए हैं, आप हमारे लीडरों से मिलिए। मैं दावा देता हूं हमारे लीडर आपके साथ दिन रात एक कर देंगे और आपके सपने को पूरे करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा राइट डुप्लीकेशन होता है। हमने ईमानदारी के साथ काम, हमारे गुरुजी ने ईमानदारी के साथ काम किया, हमने किया, हमने ईमानदारी के साथ काम किया, हमारी टीम करती है, हमने 18 घंटे काम किया, हमारी टीम 18 घंटे काम करती है, हम आज भी पर डे फॉलो अप प्लान करते हैं, हमारी टीम करती है, हमारा जो फ्रंट लाइन का कोर क्लब है आज भी उन लोगों के साथ खड़ा होता है। अदर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। आज हमने राइट डुप्लीकेशन किया तो हमारे टीम में भी राइट डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन अगर अदर डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो लोग डायमंड बन जाते हैं और चारपाई के पास हो जाते हैं और बोलते हैं मैं तो डायमंड का तमगा पहन लिया। अरे डायमंड तो यहाँ एवरी वीक ऐसे पैदा होते हैं जैसे मतलब लाइन लगी पड़ी है। तो डियर फ्रेंड, मैं दावा देता हूं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं कि आप एसलीपीएस जैसे कंपनी में अपना अगर कैरियर लगाते हो तो आपने जो भी पिछले 5 साल 7 साल से काम किया है अगले 3 साल में इनकेस होगा। इंसान के लाइफ में दो चीज होता है, इंसान जीतता है या सीखता है। जो आपका अनुभव है उसको यहाँ पर इनकेस करें। और मेरा एक चैलेंज है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग से, हमने पहले भी बोला था आज से 4 साल पहले कि आगे 4 साल बाद हम ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की लाइन लगाएंगे, और आज एवरी वीक के हिसाब से ऑडी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज आ रही है। और अगर हमारा अगला कमिटमेंट है अगले 5 साल बाद अगर इंडिया के गांव के गलियों से अगर किसी भी सिटी से अगर ऑडी की लाइन गुजरे, बीएमडब्ल्यू की लाइन गुजरे, मर्सिडीज की लाइन गुजरे और किसी अंधे से पूछा जाए कि लाइन किसकी गुजर रही है तो वो बोलेगा ये एसलीपीएस का गुजर रहा है। हमने 4 साल पहले कमिटमेंट किया था कि करोड़पति की लाइन लगाएंगे, लोग बोलते थे नहीं होगा, आज पूरा किए। और आज एसलीपीएस के बिहाफ पर बोलता हूं, जब इंडिया के इतने दमदार प्रोडक्ट हमारे पास है, इतनी दमदार कंपनी हमारे पास है, इतने दमदार टीम हमारे पास है, इतने दमदार अपलाइन हमारे पास है, तो मैं दावा देता हूं अगले 4 साल के अंदर हम लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगाएंगे और करोड़पति क्लब की लाइन लगाएंगे। हमारा कमिटमेंट है आपके साथ। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा मैसेज इतना ही था, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, आज अगर शिव कुमार अगर यहां पर पहुंचा है तो उस इंसान के रूप में वो भगवान है, उनका हाथ हमारे पर है। और डियर फ्रेंड्स, वो अगर विजन की अगर बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वर्ल्ड में अगर सबसे विजनरी पर्सन की अगर बात किया जाए तो डियर फ्रेंड्स, वो हमारे गुरु का नाम आता है। अगर वर्ल्ड में अगर सबसे बेस्ट गुरु की अगर बात किया जाए तो डियर फ्रेंड्स, हमारे गुरु का नाम आता है। तो मैं अब अपने गुरु को कॉल करना चाहूंगा, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी की एक एक बात अमृत के समान होगी। और कौन सी बात आपके लाइफ को बदल देगी, कौन सी बात आपकी जिंदगी को बदल देगी, ये पता नहीं चलेगा। तो मैं अब आपके और गुरु जी के बीच बाधा ना बनते हुए मैं गुरु जी को कॉल करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर आइडियल कंपनी फर्स्ट क्राउन डायमंड मिस्टर महिपाल सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार दोबारा से आपसे रूबरू होने के लिए आपके बीच में हूँ। दोस्तों, शिव कुमार सर ने बहुत सही बातें बताई, और जो बताई वो बातें बताई नहीं, वो प्रैक्टिकल हो चुका है। दोस्तों, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और मैं एक ही चीज बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि एसलीपीएस में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, क्योंकि आप पैनल के ऊपर इतने सारे लोग देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इतने सारे पैनल के ऊपर लोग देख रहे हैं जो आज से 2 साल 3 साल का ही टाइम हुआ, किसी को 1.5 साल का, इससे ज्यादा लंबे टाइम वाला कोई नहीं है।
अगर ये लोग डेढ़ दो साल तीन साल चार साल के अंदर जब अपनी लग्जरी गाड़ी के अंदर आ सकते हैं, तो आप यकीन मानिए कि जब इससे एक आदमी झूठा हो सकता है, दूसरा आदमी का तुक्का लग सकता है, किसी आदमी का तुक्के से चल सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों के तुक्के नहीं लगते हैं। इसके पीछे कोई तो वजह है, कोई तो राज है। आज सबसे ज्यादा विश्वास कीजिए इस पे। मैंने आज से तकरीबन चार साल और नौ महीने पहले एसलीपीएस वेलनेस का दामन थामा था, एसलीपीएस वेलनेस की शरण में आया था और एक इसी सोच के शरण में आया था कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोच के आया था कि इतना बड़ा करेंगे, क्योंकि हमें दिखाई देता था अपनी औकात के हिसाब से, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस ने हमें बड़ा किया अपनी औकात के हिसाब से। दोस्तों, आज मैं जहां भी हूं, जो भी कुछ भी हूं, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से जितना ज्यादा धन्यवाद दूं, उतना ही कम है एसलीपीएस वेलनेस को बनाने वाले, एसलीपीएस वेलनेस के जन्मदाता, उसके फाउंडर, अवर रेस्पेक्टेड अवर कंपनी सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव सर का हम सब लोगों को जितना धन्यवाद हो उतना देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों संजीव सर ने एसलीपीएस वेलनेस कंपनी नहीं बनाई है। आज आप देखिएगा बहुत सारे अलग अलग कंपनियों से भी, मैं ये नहीं बताऊं कि कंपनी कोई खराब है कोई अच्छी है, लेकिन अदर कंपनियों से जितने भी लोग आए, और छह साल आठ साल दस साल पांच साल छह साल के अंदर जो कारनामा वहां नहीं कर पाए, वही लोग छह साल वाले ने छह महीने के अंदर एसलीपीएस वेलनेस के अंदर ऐसे झंडे गाड़े कि दुनिया पीछे आने की लाइन लग गई। और ऐसा क्या हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि एक सच्ची नीयत के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ, एक लोगों की जरूरत को हमारी कंपनी के एमडी साहब ने समझा, और उन्होंने इसलिए समझा कि आखिर लोगों को किस चीज की जरूरत है, उन लोगों को क्या देना चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए। और उस प्रोडक्ट की सबसे खास बात दोस्तों, आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एसलीपीएस वेलनेस ने क्या किया है? एसलीपीएस वेलनेस ने एक काम किया है, 20-25 साल से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आई, लोगों के सपने जगाए, लोगों को दो साल तीन साल तक यूज किया, चार साल यूज किया, कर्जे में लाके जिंदगी खड़ी कर दी। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे लोग तो उनके अकाउंट में पैसे रहा करते थे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में चार पांच साल बाद क्विट करने की बारी आई तो वो लोग कर्जे के अंदर जिंदगी में आ गए, और उन लोगों ने तौबा कर ली कि हम चाहे कुछ भी कर लें लेकिन इस इंडस्ट्री को नहीं करेंगे। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने का काम किया है तो एसलीपीएस वेलनेस ने काम किया है। क्यों किया? क्योंकि एसलीपीएस वेलनेस लोगों को जोड़ने की बजाय सबसे पहला एक विश्वास करने पे यकीन करती है कि मैं अगर कोई इंसान मुझे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए दे रहा है तो बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा यूट्यूब देख रहा है, पूरा फेसबुक देख रहा है कि आज पूरे नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट में भी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद के अंदर जो प्रोडक्ट एसलीपीएस वेलनेस के रिजल्ट देते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी वो रिजल्ट किसी भी कंपनी के पास नहीं है। दोस्त, आज इस कंपनी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर पुनर्जन्म देने वाली कंपनी एसलीपीएस वेलनेस बन चुकी है। आज एसलीपीएस वेलनेस के लोग इस काम को करने में, लोग बोलते हैं सर इतना जल्दी जल्दी अचीवमेंट क्यों आता है, इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे की है। दोस्तों, हमारे लोग यहाँ पे मेहनत जितनी करते हैं उससे ज्यादा उनको सपोर्ट मिलता है लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की दुआओं से, क्योंकि पूरे गांव गांव जाके लोग लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। आज हमारी कंपनी एसलीपीएस वेलनेस फाउंडेशन के माध्यम से गांव गांव में फ्री के अंदर गरीब लोगों को प्रोडक्ट देने के कैंप लगाती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक दुनिया की किसी कंपनी ने गरीब लोगों को फ्री में प्रोडक्ट बांटने का काम, कैंप लगाने का काम किसी कंपनी ने नहीं किया, वो एक कंपनी है जो एसलीपीएस वेलनेस ने, जिसने मात्र 5-6 साल के अंदर की कंपनी हुई और उसने इतने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। आज देश सेवा के अंदर, समाज सेवा के अंदर, लोक हित के अंदर कोई कंपनी काम कर रही है तो एसलीपीएस वेलनेस आपके सामने है। दोस्तों, आज इस विश्वास करना है तो सिर्फ इसी चीज के ऊपर, और डिसीजन लेना है तो इसी चीज के ऊपर। आज एसलीपीएस वेलनेस में जितने भी लीडर आए, जितने भी फ्रेशर आए, लीडर्स को एक चीज सोच के आए कि आज के बाद उनको किसी दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो फ्रेशर जो लोग आए, उन लोगों ने एक चीज सोची कि चाहे कुछ भी हो जाए, एसलीपीएस वेलनेस के अंदर हम कामयाब होकर दिखाएंगे। दोस्तों, और मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ, एसलीपीएस वेलनेस क्यों करें। आज तक हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी जिनमें से लोगों ने कंपनी चूज की, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी में गए, चौथी कंपनी में गए, लेकिन आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना कि बंदा उसी कंपनी को छोड़ के उसमें वापिस आ गया। आज अगर गलती से कोई भटक के किसी के लालच में आके एसलीपीएस वेलनेस से गलती से इधर उधर हुआ भी ना, तो 3-4-5-6 महीने के बाद वो वापिस एसलीपीएस के अंदर आया, और वो भी फेसबुक व्हाट्सएप पे बड़े बड़े हाथ पैर जोड़ के आया कि सर गलती हो गई, एक बार और मौका दो, दोबारा गलती नहीं करेंगे, और वो लोग दोबारा आके यहाँ पे कामयाबी ले रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से हमें इतनी अच्छी कंपनी मिली। दोस्तों, हम इतने अच्छे एमडी मिले, इतने अच्छे कंपनी के सीईओ मिले। हमारी कंपनी के ट्रेनर टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुड़ी सर की बात करें तो उन्होंने दिन देखा ना रात देखा आज तक इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, हम लोगों की कामयाबी में एक एक वक्त का टाइम दिया, एक एक पल का टाइम दिया।
अपने घर परिवार सारी चीजों को दूर रखते हम लोगों के लिए आज भी वो दिन रात काम करते हैं। आज दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस में मैं आज जहां भी हूँ इसके पीछे अगर सरे हूँ तो मेरा तो सिर्फ नाम है, मेरी एक खूबसूरत सी टीम। मैं कह सकता हूँ कि पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी और सबसे दमदार सबसे जानदार अगर टीम मुझे मिली है तो वो मेरे को मिली है। सबसे अच्छे अपलाइन मिले हैं तो मुझे मिले हैं, सबसे अच्छी कंपनी मिली है तो मुझे मिली है, सबसे अच्छे एमडी मिले हैं तो मुझे मिले हैं। दोस्तों ये इनका हम शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं और इनके बदले में हम कुछ नहीं दे सकते। दोस्तों यहाँ तक आप लोग कैसे पहुंचे एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों एक दिन के अंदर सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये बात है कि आप असली पेस में अगर लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। जब इतने सारे लोग करोड़पति बने हैं, जब इतने सारे लोग लग्जरी गाड़ियों के अंदर आए हैं तो ये गारंटी है कि आप भी बनेंगे। आज दोस्तों किसी भी कंपनी की बात करें, किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट में बात करें, हाहाकार मचा हुआ है। बाहर के जब शोरूम में जाते हैं हम लग्जरी गाड़ियों के शोरूम के अंदर तो कार वाले ये बोलते हैं सर पिछले 3 महीने से एक गाड़ी नहीं बिकी है, 2 महीने से हमारे आप लोगों के अलावा एक गाड़ी नहीं मिलती है। आप फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, एसलीपीएस वेलनेस एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन से पहले जितनी कार खरीदती थी उससे ज्यादा कार लॉकडाउन के अंदर खरीद रही है। पहले अगर हम लोग महीने में 5 कार खरीदते थे तो लॉकडाउन के अंदर 8 कार खरीद रहे हैं। पहले हमारे करोड़पति महीने में 4 बनते थे तो आज 7 करोड़पति बन रहे हैं। पहले जिन लोगों को कैपिंग के लिए परेशान होना पड़ता था, ताकत लगानी पड़ती थी, आज वो कैपिंग नहीं डबल कैपिंग पे चल रहे हैं। हमारे लॉकडाउन से पहले एसलीपीएस वेलनेस के अंदर जितने लोगों की कैपिंग लगती थी आज लॉकडाउन चलते हुए उससे डबल लोगों की कैपिंग लग रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट की इतनी जबरदस्त डिमांड आ रही है। दोस्तों आज एसलीपीएस वेलनेस के साथ अपना फ्यूचर इस वजह से भी आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आज बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा लोग काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से, प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पा रही है। लेकिन आज तक आप रिकॉर्ड देखिए, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में भी एसलीपीएस वेलनेस ने किसी एक आदमी का सिंगल दिन के लिए प्रोडक्ट लेट नहीं किया। दोस्तों बस यही विजन है कि आप एक ही चीज सोच के चलिए कि जब मैं डायमंड बनूंगा, मैं रॉयल डायमंड बनूंगा, मैं ब्लैक डायमंड बनूंगा, मेरे पास ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज आएगी तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, जिंदगी कितनी हसीन होगी। या आप एडवांस में अगर सोच के चलेंगे तो आप कभी थकेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं, सुबह शाम काम के लिए निकलेंगे, आपको अगला टारगेट अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको यकीन नहीं दिला रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एसलीपीएस वेलनेस जरूर वो कंपनी है जिसने सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफिला अगर खेची ने खड़ा किया है तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी अगर किसी कंपनी में होंगी, सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी कंपनी में होंगी तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस होगा। दोस्तों सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो अगर किसी कंपनी में होगा तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस होगा, क्योंकि ये कंपनी दिमाग वालों के नहीं, दिल वालों की, और दिमाग से नहीं दिल से चलती है। यहाँ लोगों को यूज नहीं किया जाता, यहाँ लोगों को अपने साथ में लेके चला जाता है, यहाँ लोगों को इस्तेमाल किया नहीं जाता, यहाँ लोगों को अचीवर बनाया जाता है। यहाँ पे आप हमारे लीडर देखिए कि करोड़पति 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी हमारे लीडर्स को आप देखिए 24 घंटे मार्केट में रहते हैं। एक फ्रेशर का जब कॉल आता है तो उसको अटेंड करते हैं, उसको रिप्लाई देते हैं, उसकी कामयाबी के अंदर जो भी सपोर्ट देना होता है वो देते हैं, ऊपर से नीचे तक संस्कार इस कंपनी में एक कॉम्बिनेशन इस तरह का डेवलप हुआ है कि कोई आदमी अगर एक बार सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर ले तो उसको जिंदगी की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके सारे मैं करोड़पति बना, मैंने जगवार ली थी, मैं लोगों को बताया करता था कि मैं करोड़पति बना, मैंने 5 करोड़ कमाए, मैंने जगवार ली। लेकिन दोस्तों आज मुझे बताने की जरूरत नहीं होती, आज मेरी टीम में हर महीने 3-4 जगवार आ रही है, हर महीने 2-3 बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी आ रही है, हर महीने 3-4 करोड़पति बन रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि लॉकडाउन से अरबपति करोड़पति पे क्या फर्क पड़ा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल शाम को मैं बैठ के मेरी इनकम जोड़ रहा था, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की जो मेरी इनकम निकल के आई है वह आई है 1,35,00,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। 4 महीने से जिन लोगों की अरबों रुपए लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद, 50 करोड़ रुपए लगाने के बाद शटर बंद हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ एक उम्मीद लगाई थी, एक विश्वास लगाया था, 1,35,00,000 रुपए की इनकम अकाउंट में क्रेडिट हुई है। हाँ अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा हूं तो मेरा बैंक स्टेटमेंट भी मैं भेज दूंगा, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, फेसबुक पेज पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, फेसबुक के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता दोस्तों,
क्योंकि इससे ज्यादा तो बात वही होगी, एक हमारे गांव में कहावत है कि अंधे के आगे बींदबाजी और लोग बोलते हैं डमडमाट किसका हो रहा है। तो अभी हिंदुस्तान में अब भी अगर किसी को लगता है कि असली पेस पहले, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इस कंपनी में आया था 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख के मैं चेक फेसबुक पे डालता था ना, लोग बोलते थे फर्जी है। मेरे यहाँ पैनल पे कुछ लोग बोलते हैं बैठे हुए हैं, इनके जब चेक फेसबुक पे डालते थे लोग बोलते फर्जी है। मैं अब ढूंढ रहा हूँ वो फर्जी है लिखने वाले गए का। आजकल हमारे किसी चेक पे किसी का ये लिखा हुआ नहीं आता कि फर्जी है। जब हम जैगवार लेके किसी के पास गए लोग तब भी यकीन नहीं करते थे, बोला जैगवार तो आपके पास है सर, जैगवार अगर आपके पास है तो आरसी दिखाओ। अरे भाई आरसी तो एडिट होके दे आ सकती है लेकिन जैगवार एडिट होके नहीं आ सकती। अब भी यकीन करो कामयाबी है और आएगी असली पेस मैनलेस में, मैं यकीन दिला सकता हूँ। मैं और मेरे लीडर्स और कंपनी आपके साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार है और उसके साथ आप विश्वास कीजिए आपको हम जितने कम टाइम के अंदर करोड़पति बने उससे भी कम टाइम में करोड़पति बनाने के लिए, लग्जरी कार में लाने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे। कंपनी के साथ मिलके आपकी सक्सेस के अंदर पूरी भागीदारी निभाएंगे। सिर्फ आपको विश्वास करना, आप विश्वास कीजिएगा। जितने भी जो इन लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज करना चाहता हूँ, दोस्तों हम लोग काय भी कुछ बन जाए, कभी जिंदगी के अंदर एक ईगो मत करना, घमंड मत करना। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये है, क्योंकि दुनिया में कोरोना से अगर हमने सीखी है तो एक चीज सीखी है, जो लोग करोड़ रुपए महीना कमाते थे ना वो जीरो पे चल रहे हैं। इसलिए कोरोना जैसा जानवर बोले या मच्छर बोले या क्या बोले इसको कुछ, क्योंकि किसी ने कोरोना देखा ही नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं उसने लोगों को तबाह करके रख दिया। तो दोस्तों हम लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत खूबसूरत था और आपको मजा भी आएगा। हर जगह हर आदमी की वैल्यू है, सब लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए, किसी का लेवल चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे साथ ज्वाइन हो या ना हो, हमारे साथ ज्वाइन करे या ना करे, हमारी कंपनी के खिलाफ बोले हमारे खिलाफ बोले, उसको भी तारीफ कीजिए, उसको भी रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानता, वो बच्चा है, उसको कल हमारी कंपनी में ही आना है। वो उसको ऐसा लगता है कि हम गलत हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो भी गलत नहीं है, उसको हमारी कंपनी में आना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने कुछ गलत बोल दिया। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसी को काहे कम पी लेना, क्योंकि एक चीज बोले जाती है कि जो आदमी जहर पीता है ना उसको पूरी दुनिया पूजती है, सावन के महीने में तो खासकर, और जो आदमी जहर उगलता है उसको लोग डंडों से मारते हैं। तो जहर उगलने वाले नहीं, जहर पीने वाले बनना है, क्योंकि अगर जब जब जहर पियेंगे ना जब जब दुनिया पूजा करती रहेगी। दूसरी मैंने बोला लॉकडाउन में आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने खाली टाइम पास करने के लिए लूडो बहुत खेला होगा। लूडो में आपने देखा होगा जब किसी को गोटी खेलनी होती है तो हर आदमी को सिक्स चाहिए होता है और आदमी सोचता है मेरा सिक्स कब आएगा, सिक्स कब आएगा, सिक्स कब आएगा, बेकरार रहता है। लेकिन जब वो गोटी अंदर जाने वाली होती है तो सिक्स किसी को नहीं चाहिए, हर चाहता है एक कब आएगा, एक कब आएगा, एक कब आएगा, और लोगों के सिक्स खराब हो जाते हैं और एक जिसका आ जाता है वो जीत जाता है। तो दोस्तों हर जगह अलग अलग आदमी की अलग अलग वैल्यू है, कभी सिक्स की वैल्यू होती है तो कभी एक की वैल्यू होती है, कभी दो की वैल्यू होती है तो कभी फ्रेशर की भी वैल्यू है। हम लोगों को हर आदमी की वैल्यू करनी है, हमें हर आदमी को रेस्पेक्ट देना है, चाहे वो आदमी हमारा कोई भी लेवल, हम डायमंड है, कोई आदमी अगर फ्रेशर है, सोचिए हम लोग एकदम से डायमंड बन के पैदा नहीं हुए, हम लोग भी डायमंड बनने में प्रोसेस लगा है 3-4 साल का। हमारी रियल कामयाबी, रियल अगर सक्सेस है तो एक है, हमारी टीम के अंदर सक्सेस रेशियो क्या है, हमारी टीम में कितने लोग कितने कम टाइम में सक्सेस हो रहे हैं, आपकी टीम में नए लोग फेल तो नहीं हो रहे हैं, आपकी टीम के लोग अगर आपको छोड़ के वापस घर बैठ रहे हैं तो ये हमारी, हम कुछ भी बन जाए ये हमारी सफलता नहीं है। हमारी रियल सफलता ये है कि हमारे साथ आया हुआ हर आदमी सफल हो, और अगर कोई नहीं भी हुआ किसी वजह से और वो अपने आप से बात करे तो उसको एक बात दिमाग में जरूर आनी चाहिए कि मैं अगर कामयाब नहीं हुआ तो इसमें मेरे अपलाइन का दोष नहीं है, मेरी कंपनी का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक रही। दोस्तों आपकी रेस्पेक्ट कभी भी लोगों की नजरों में कम नहीं होनी चाहिए, बस इसी चीज के साथ काम कीजिए। और हम आपको यकीन दिलाता हूँ ये ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार, तो असली केस वेलनेस में जितने भी लीडर है ना उनके बच्चों का खेल है, ये तो उनके बच्चे चलाया करेंगे। हम लोग तो असली केस वेलनेस में कुछ और ही चलाने आए हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद में असली केस वेलनेस में आना शुरू हो जाएगा और बाद में लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कीर्तिमान हम सारे लोग मिलकर करेंगे। दोस्तों आज काफी लंबे टाइम, तकरीबन हमारा प्रोग्राम 2 घंटे से भी ज्यादा चला है, 1 घंटे ही चलाना था, आप सब लोगों ने फिर भी पेशेंस से इसको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे और जिसको मेरी जहां भी जरूरत पड़े
जिस भी टाइम जरूरत पड़े, जिस भी तरीके से जरूरत पड़े, मैं आपकी कामयाबी में साथ देने के लिए हर तरीके से तैयार हूँ। असलीपीएस वेलनेस आपके साथ तैयार है, हमारे लीडर्स तैयार है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।